सभी को मेरा यथा योग्य अभिवादन। आज इस कार्यशाला के द्वितीय दिवस में शुरू द्वितीय दिवस के कंटेंट को शुरू करने से पहले हम लोग पहले दिन की जो भी चर्चा हुई है उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, संक्षिप्त में उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन की चर्चा को शुरू करते हैं। तो कल हम लोग इस बात को कह रहे थे कि अगर हम एक मानवीय समाज, एक मानवीय व्यवस्था के निर्माण को करना चाहते हैं, है ना, हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस एक मानवीय समाज की है, एक मानवीय व्यवस्था की है, तो ऐसे समाज ऐसी व्यवस्था के लिए एक मानवीय शिक्षा संस्कार की आवश्यकता दिखती है। तो एक मानव अगर मानवीय शिक्षा संस्कार के साथ गुजरता है तो उसमें मानवीय दृष्टि का निर्माण हो पाता है ना। एक मानवीय दृष्टि के निर्माण से वो अपने में मानवीय मूल्यों की पहचान कर पाता है और उन मानवीय मूल्यों से अपने से बड़ी व्यवस्था में एक मानवीय आचरण क्या है उसको जीने के लिए हुनर सीख पाता है, वैसा जी पाता है, तब जाके एक मानवीय समाज और एक मानवीय व्यवस्था के निर्माण का आधार बन पाता है। तो मूल बात तो यही है कि मानवीय समाज और मानवीय व्यवस्था के निर्माण के लिए मानवीय शिक्षा संस्कार की आवश्यकता है। तो मानवीय शिक्षा संस्कार को जब भी हम देखने जाएंगे कि क्या स्वरूप होगा, तो ये दिखता है कि ऐसा शिक्षा संस्कार जो सार्वभौमिक हो, है ना, यूनिवर्सल हो, तर्कसंगत हो, व्यक्ति उसको अपने तर्क पर जांच सके, मानने का काम सिर्फ मानने का काम ना हो, है ना, वो जांच सके, अपने अंदर परख सके उस बात को और साथ साथ जी के उसे प्रमाणित भी कर सके। और ऐसा वो कर पाता है तो व्यवस्था को समझ पाता है, अपने में मूल्यों को पहचान पाता है और उस मूल्य को देखते हुए, है ना, अपने से बड़ी व्यवस्था में सहयोगी हो पाता है। तो ऐसे शिक्षा संस्कार का कंटेंट क्या होगा, है ना, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ पूरे मानव के, है ना, जीवन काल को देखें, शरीर यात्रा को देखें और आवश्यकता को पहचानने की कोशिश करें। तो ये तीन आवश्यकताएं हम लोगों ने कल पहचानी थी कि मानव को सुविधा की आवश्यकता है, संबंध की आवश्यकता है और इन दोनों के साथ साथ समझने की भी आवश्यकता दिखती है। तो मानव की तीन आवश्यकताएं हैं, है ना। तो जितनी भी आवश्यकताओं को हम अगर चाहें नोट डाउन कर लें कॉपी में, तो ये तीन डोमेन से वो आवश्यकताएं दिखती हैं। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि इनके बीच का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा। तो ये दिखता है कि संबंध पूर्वक जीने के लिए संबंध की समझ आवश्यक है। तो उस अर्थ में, है ना, हम लोगों ने ये कहा कि संबंध से ऊपर जो प्रायोरिटी है वो तो समझने की। तो एक बार मानव ठीक ठीक अपने में समझ को स्थापित कर पाता है और उस आधार पर जब संबंध को देख पाता है तो स्वयं में भी सुखी हो पाता है और दूसरे मानव के साथ व्यवहार करते हुए भी सुखी होता है, जिसको हम लोगों ने उभय सुख कहा। ऐसे ही जो सुविधा की आवश्यकता अगर समझ के आधार पर तय होती है, है ना, और उसकी पूर्ति के लिए प्रयास होता है, तो मैं भी समृद्ध होता हूं और नेचर को भी इनरिच कर पाता हूं, जिसको हम लोगों ने उभय समृद्धि कहा था कल। तो अगर मानव की ये तीन आवश्यकताएं हैं और इस ऑर्डर में उन आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है जिससे कि उभय सुख और उभय समृद्धि इंश्योर हो पाता है ना, तो ऐसा कहना ठीक रहता है कि मानव जो है वो मानव चेतना में जी रहा है। फिर हम लोगों ने कल एक बात ये भी कही थी कि आखिर जो ये समझना है, ये जो सही समझ है, ये क्या है, आखिर ये क्या बात है। तो ये कहा गया कि जहां जहां भी मानव के तौर पर मेरा जीना है वहां व्यवस्था कैसे बनी हुई है, उस व्यवस्था को समझना और व्यवस्था पूर्वक जीना, इन दो बातों के योगफल में सही समझ को कहा गया। तो जैसे मानव अपने साथ जीता है, परिवार में जीता है, समाज में जीता है, प्रकृति और अस्तित्व में वो बना हुआ है, तो इन चारों ही स्तर पर व्यवस्था कैसे बनी हुई है उस व्यवस्था को समझ पाता है मानव और वैसा जी पाता है, तो ये कह सकते हैं कि मानव में सही समझ पूरी हो पाई। तो इतनी बात हम लोगों ने कल एक्सप्लोर करने के अर्थ में इस मानव चेतना के संदर्भ में कही थी। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि एक बार
मानव मानव चेतना से जीता है तो वो सामाजिक निहितार्थ क्या कर सकता है। तो दिखता है कि अपने में अगर सही समझ और सही भाव का विकास हर स्तर पर हम कर पाते हैं तो मैं अपने में मानव संबंध क्या है इस बात को देख पाता हूँ और अपने में सुखी हो पाता हूँ और संबंध पूर्वक अपने परिवार में भी जी पाता हूँ। तो दिखता है कि अपने में अगर सही समझ स्थापित हो पाती है तो सिर्फ मैं अपने परिवार में ही न्यायपूर्वक नहीं जीता, अपने साथ ही न्यायपूर्वक नहीं जीता, मैं विश्व परिवार तक न्यायपूर्वक जीने में सहयोगी होता हूँ, है ना। और यही आगे चल के अखंड समाज के निर्माण का आधार बनता है। ऐसे ही अगर देखें कि सही समझ को प्रायोरिटी देते हुए अगर वो अपने में स्थापित हो पाती है, इंश्योर हो पाती है, तो मैं अपने से बड़ी व्यवस्था जो कि प्रकृति है उसके साथ अपने संबंध को पहचान पाता हूँ, उस व्यवस्था को समझ पाता हूँ और उस व्यवस्था में अपने सहयोग को दे पाता हूँ, जिससे सिर्फ मैं अपने परिवार की समृद्धि को इंश्योर नहीं करता बल्कि विश्व परिवार में कैसे समृद्धि इंश्योर हो सके, मानव लक्ष्य की पूर्ति हो सके, उसके लिए प्रयास करता है। तो देखेंगे तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मानव चेतना। भैया आपकी आवाज थोड़ी सी इम्प्रूव करना पड़ेगी, वो चैट में कई लोगों को बहुत कम आ रही है। अच्छा, थोड़ी सी तो कम है आपकी आवाज। अच्छा, मतलब लगातार कम है या बीच बीच में कम है? हाँ, लगातार थोड़ी सी कम है, मतलब वो लो है। और जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है वो अपना उधर वॉल्यूम वाला जो रहता है उसको थोड़ा सा आप इम्प्रूव भी करें तो भैया थोड़ा सा आपकी आवाज भी करें। जी जी जी, मैं कोशिश करता हूँ भैया। अभी ठीक है भैया? अभी बताएं आलोक भैया, अभी आवाज ठीक है और इसी को मतलब मेंटेन रखेंगे तो ठीक रहेगा मुझे लगता है। ठीक ठीक है भैया, ठीक है ठीक है। तो हम लोग बात मानव चेतना के संदर्भ में तो इतनी ही कल कर रहे थे, और लेकिन अभी अगर हम अपनी स्थिति को देखें तो अपनी स्थिति में यह दिखाई देता है कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर हमने मानव चेतना में तय किया था वो प्रायोरिटी ऑर्डर अपने में तय नहीं हो पाया है। तो अभी भी हम सुविधा हमारे लिए पहली प्रायोरिटी दिखती है कि अगर सुविधा को इंश्योर करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा दिखता है। तो दिखता है कि जब भी समझ के अभाव में सुविधा को इंश्योर करने जाते हैं तो वो पूरा नहीं पड़ता, तो हम अपने में भी दरिद्रता के भाव को देख पाते हैं और क्योंकि हम होना समृद्ध चाहते हैं और दरिद्र बने हुए हैं, दरिद्रता में जीने के लिए बाध्य हैं, तो हम दूसरे का शोषण करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एक्युमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी का प्रयास करते हैं और स्वयं भी दरिद्र महसूस करते हैं और नेचर को भी दरिद्र ही करते जाते हैं। तो इसी को अगर हम जीव के संदर्भ में देखें, एनिमल के संदर्भ में देखें, तो उसके संदर्भ में ये बात ठीक दिखती है कि वो जब भोजन की उसको आवश्यकता होती है, भोजन नहीं मिलता है तो परेशान होता है, लेकिन भोजन मिल जाता है तो वो आराम में आ जाता है। तो उसका जीना भोजन की आवश्यकता के साथ तो निश्चित दिखता है, लेकिन अगर मानव भी इसी आधार पर जीना शुरू करता है तो ये एक्सप्लोर करने वाली बात है कि क्या वो मानव चेतना में जी रहा है। तो दिखता है कि वो मानव चेतना नहीं है, मानव चेतना तो इस बात को लेकर है कि समझ संबंध और सुविधा इस प्रायोरिटी ऑर्डर में, है ना, समझ संबंध सुविधा इस प्रायोरिटी ऑर्डर में हम अपने में देख सकें जिससे कि म्यूचुअल हैप्पीनेस, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी इंश्योर हो सके। तो ये जो एनिमल कॉन्शियसनेस से, है ना, एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस तक की जो ये यात्रा है, ये यात्रा हम सभी को करनी है, है ना। तो ये इसी यात्रा को, है ना, इसी यात्रा को हम लोग विकास कह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं, है ना, समग्र विकास कह रहे हैं, है ना। इस बात को हम लोगों ने कल कहा था। तो मेरा परिमार्जन हो जाए, मेरी दृष्टि में परिमार्जन हो जाए जिससे कि जो मेरे प्रयास हैं वो प्रयास समग्र व्यवस्था के अर्थ में हो जाए, है ना। इस बात को भी हम लोग कल एक्सप्लोर करने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो मानव चेतना में जीता हुआ मानव कैसे जिएगा? तो मानव चेतना में जीता हुआ मानव समझ को प्रथम प्रायोरिटी बनाते हुए, संबंध को समझते हुए संबंध पूर्वक जिएगा और अपने में भी तृप्त होता है और दूसरे को भी तृप्त करने का प्रयास करता है।
है ना, आउटकम के तौर पर म्यूचुअल हैप्पीनेस इंश्योर होता है। साथ साथ एक मानव चेतना में जीता हुआ व्यक्ति अपनी सुविधाओं की है ना, अपनी आवश्यकताओं की पहचान जो है वो सही समझ के आधार पर करता है, और उससे ज्यादा की उपलब्धि और उत्पादन का जो प्रयास है वो सही मेथड से करता है, जिससे कि वो स्वयं में समृद्ध हो सके और नेचर को भी इनरिच कर सके, है ना। तो एक मानव चेतना में जीता हुआ व्यक्ति, चार स्तर की व्यवस्था जो कि बनी हुई है, उस व्यवस्था को समझना और उस व्यवस्था पूर्वक जीना, ऐसा प्रयास उसमें देखा जाता है। तो इस बात को हम लोग अपने में देखें, कल इतनी बात हुई थी, इस बात से संबंधित राघवेंद्र भैया कोई प्रश्न हो तो एक प्रश्न ले लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भैया आवाज आ रही है? बराबर आ रही है जी। जी ठीक, तो हम में से किसी का कोई प्रश्न है तो वो हम ले लेते हैं। जी डॉक्टर अतुल कुमार जी, हम लोग सब है जी, तो सर नमस्ते। दिनेश जी भी है हमारे साथ जी। दिनेश भैया नमस्ते, स्वागत है। हाँ सर, सादा नमस्ते सर। नमस्ते सर। इसमें जो आपने बताया कि सर समझ, संबंध और सुविधा, मतलब स्वयं भी सुखी होना और दूसरों को भी सुखी करना, बिल्कुल सर सूत्र 100% अनुभव में आता है, मतलब जाना जा रहा है। ये मानने वाली बात, आपने जैसा आपका भी इंटेंशन है और इस थीम भी यही है कि माने ना जाने और उसको प्रमाणित करें, तो ये तो बिल्कुल सत्य है, सूत्र भी सही है, परंतु इसको उच्च स्तर तक ले, क्योंकि सर बहुत सारे फैक्टर प्रभावित कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर। एक जनसंख्या का फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है, चार लोग समाधानित होते हैं और 50 लोग पैदा हो जाते हैं। अब मैं उसको शब्दों को थोड़े अच्छे से नहीं कह पा रहा हूँ जी। दिनेश सर गलत है ये इस प्रकार से बोलना, मैं एक छोटा सा इनपुट देता तो ये जी सर छोटा सा इनपुट आपको दे देता हूँ। ये जब समाज की चर्चा करेंगे कि ये प्रश्न जो है वो समाज का है कि समाज में बहुत सारे लोग जो जन्म ले रहे हैं, तो अभी एक बात कह के मैं इस प्रश्न को एड्रेस कर लेता हूँ कि जनसंख्या एक समस्या है या नासमझ जनसंख्या एक समस्या है, इसको आप नासमझ सर, नासमझ जनसंख्या। तो अभी जनसंख्या उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी नासमझ जनसंख्या, तो समझ हम कैसे बढ़ाएं? समझ के लिए सर आपने कल बताया भी था और हमने भी संकेत देखा और कल एक वीडियो भी देखा था, मैंने चर्चा में बताया था कि जो मीडिया है अगर वो हमारा सहयोग करने लगे, क्योंकि मीडिया सबसे प्रभावी इस समय चल रहा था और हम भी मीडिया के माध्यम से आज आपसे चर्चा कर, मतलब आप हमें जो भी सिखा पा रहे हैं वो मीडिया के माध्यम से, तो मीडिया उस तरफ थोड़ा सा एक टर्निंग ले ले बस, मतलब जो पीठ है वो उसकी तरफ, चेहरा आ जाए समाज की तरफ, क्योंकि वो जो आप अंदर से चाहते हैं या कुछ समझदार लोग चाहते हैं वो अनजाने जाने में, मतलब मैं डायरेक्ट तो नहीं कहूँगा लेकिन जाने अनजाने में वो चीज़ें सामने आप आ रही हैं या आ रही हैं जो चंद पैसों के लालच से या किसी अन्य कारण से, कुछ ना कुछ स्वार्थ तो रहता ही है, उस जनसंख्या को समझदार बनाने के बजाय उनको गुमराह करना या उनको जागृत नहीं कर देना। उसमें मैं संक्षिप्त में आपकी बात में समझ गया कि अभी जो पूरा प्रोग्राम है वो लोग प्रभावित हो जा रहे हैं, है ना, मीडिया के द्वारा। इसको देखेंगे अभी अगले सेशन में, इस सेशन के आगे का जो सेशन है इसमें देखेंगे। तो हम भी यही बात कह रहे हैं कि हम प्रभावित ना हो, तो ऐसा ना हो कि ये 5 दिन की कार्यशाला प्रभावित करने वाली कार्यशाला हो जाए। हम बिल्कुल प्रभावित ना हो, हम सीधे सीधे तथ्य को देखें, अपने में जांच परख करें। और जैसा कि आप कल कह रहे थे ना, तो मानने से हम शुरू करेंगे, वो बात तो ठीक है, लेकिन मानने के साथ जो कठिनाई है उसको अभी इस सेशन में देखेंगे। जी सर, कठिनाई क्या है जी सर, संक्षिप्त में बात इतनी है उसमें जी सर, तो उसको देखते हैं अभी आज इस सेशन में और अगले सेशन में देखते हैं उसको। जी सर, बिल्कुल वैलिड प्रश्न है ये।
थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है ठीक है, तो भैया ये स्लाइड दिख रही है? ठीक, तो जैसा कि ये बात हुई थी कि सही समझ को अपने में इंश्योर करने के लिए चार स्तर की हार्मनी को समझना ये एक आवश्यकता दिखती है। तो ये समझना शुरू कहाँ से करें? तो दिखता है कि अपने से समझना शुरू करना है ना, कल भी आप लोगों ने कहा था कि हमें अपने को समझना है ना, ये एक प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसलिए मानव में व्यवस्था कैसे बनी हुई है, क्या है मानवीय व्यवस्था, उसको देखते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि हम सभी कल से ये प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हमारी मूल चाहना क्या है। तो मूल चाहना ये दिखती है कि निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना है। फिर ये बात आई कि सुख क्या है, तो फिर ये एक्सप्लोर करने के लिए हम लोगों ने आप तक ये बात पहुंचाई कि सुख तो व्यवस्थित होके जीने में, तो अपने में व्यवस्था को देख पाता हूं तो सुखी हो पाता हूं। फिर ये बात आई कि आखिर ये मूल चाहना जो निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने की है वो पूरा कैसे होगा। तो ये दिखता है कि चार स्तर में हार्मनी को समझ के, व्यवस्था को समझ कर और व्यवस्था पूर्वक जीकर ऐसा संभव है। तो उस तहत मतलब उस प्रोग्राम के तहत आज ये पहले चरण की जो बात है कि मानव में व्यवस्था कैसे है उसको समझेंगे, है ना। मानव क्या है, तो मानव मैं और शरीर दो इकाइयों के साथ है, है ना। फिर ये बात कल से ही कही जा रही है कि जो भी बात कल भी कही गई, आज भी कही जाएगी और आगे भी हो, उसको हम माने नहीं, उसको जांचें। और जांचने का आधार ये है कि हम हमारे अंदर सहस्वीकृति है, हम क्या चाहते हैं इस बात को हम सीधे सीधे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जैसे मैं संबंध पूर्वक जीना चाहता हूं, तो अगर कोई संबंध से संबंधित प्रपोजल हमारी तरफ से है तो उसको जांचें अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस से, सहस्वीकृति से, कि क्या ऐसा है। एक बार ये जांच परख हो जाए तो फिर इसका दूसरा भाग कार्यक्रम का ये है कि हम उसे जी के भी देखें। और जब भी जीने जाएंगे दो ऑप्शन दिखते हैं कि एक तो मैं मानव के साथ जीऊंगा व्यवहार करते हुए, दूसरा शेष प्रकृति के साथ कार्य करते हुए। तो जब भी व्यवहार करते हुए म्यूचुअल हैप्पीनेस उभय सुख इंश्योर होता है और कार्य करते हुए उभय समृद्धि इंश्योर होती है, तो ये प्रपोजल है ना, ये कहा कही गई बात हमारी समझ का हिस्सा बन जाती है ना। तो एक बार जांच परख का जो काम है वो अपने में एक्टिवेट हो जाता है तो समझने में जो गति है वो अपने में दिख पाती, बन पाती। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि आखिर मानव में व्यवस्था कैसे है। तो ये दिखता है कि मानव दो इकाइयों का सहस्तित्व है। वो दो इकाइयां क्या हैं? एक शरीर है, दूसरे को मैं कह रहा हूं, सेल्फ कह रहा हूं। तो देखेंगे तो मानव में ये दोनों ही हैं, है ना। शरीर मैं को सहयोग दे रहा है और मैं जो है वो शरीर को का सहयोगी है जीने में, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट के अर्थ में रहे, है ना, एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हैं। तो मानव में ये दोनों ही इकाइयां, है ना, दोनों ही इकाइयां सहस्तित्व में है ऐसा दिखता है। फिर ये दोनों ही इकाइयां अलग अलग हैं, इस बात को समझने के लिए इनकी नीड से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे शरीर की आवश्यकता को अगर हम अपने में देखें तो कोई सुविधा से वो, है ना, सुविधा की आवश्यकता होती है शरीर में। है ना, तो शरीर की जो आवश्यकता है, तो जैसे भोजन की जो आवश्यकता है ना, तो वो शरीर की है। ऐसे ही कपड़े की आवश्यकता, मकान की आवश्यकता, लैपटॉप, मोबाइल, ये जो आवश्यकता है ये शरीर की आवश्यकता है और वो किसी फिजिकल फैसिलिटी से पूरी होती हुई दिखाई देती है। ऐसे ही अगर जब मैं की आवश्यकता को देखने जाते हैं, सेल्फ की आवश्यकता को देखने जाते हैं, तो वो सुख के तौर पर पहचान में आती है। तो जैसे जो सेल्फ है वो सम्मान पूर्वक जीना चाहता है, ये आवश्यकता के तौर पर दिखता है। ऐसे ही अगर काल में इस आवश्यकता को देखें, शरीर और सेल्फ की आवश्यकता को काल में देखें, तो ये दिखता है कि जो शरीर है उसकी हर एक आवश्यकता सामयिक है। तो जैसे जो भोजन है वो मैं ब्रेकफास्ट करूंगा उसके 4-5 घंटे के बाद ही लंच करता हूँ, और उसके
चार पांच घंटे के बाद ही मैं डिनर के लिए जाता हूँ, तो उस अर्थ में देखते हैं तो ये सामयिक दिखता है ना। लेकिन जब मैं की आवश्यकता को देखते हैं तो कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा पल नहीं है जब मैं सम्मान पूर्वक नहीं जीना चाहता। तो जो मैं है वो निरंतर सम्मान चाहता है। तो इसी संबंध में एक एग्जांपल मुझे याद आता है कि इस पूरी विषय वस्तु का जो फाउंडेशनल वर्क है, आधारभूत जो वस्तु पर जो काम हो रहा है, वो तो कानपुर में संस्थान है, वहाँ पे एक वर्कशॉप चल रही थी। तो ऐसे ही वहाँ पर एक छात्र आया, एक स्टूडेंट आया, उनके माता पिता भी आए थे। तो उनसे बात होने लगी और ये सारी बात जब होने लगी तो उस बच्चे ने कहा कि देखिए सर, जब मुझे एक अच्छा ब्रेकफास्ट मिल जाता है तो मैं सुखी हो जाता हूँ, और मैं लंच के बारे में सोचता हूँ, और जब मुझे लंच मिल जाता है तो मैं डिनर के बारे में सोचता हूँ। तो मेरे लिए सुख तो ये है कि मेरा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीनों मुझे अच्छे से मिलता रहे, है ना। तो बात तो बिल्कुल ठीक ही है कि शरीर को अगर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की आवश्यकता है तो वो तो चाहिए ही। लेकिन जब उस बच्चे से ये सवाल किया गया कि ठीक बात है, ब्रेकफास्ट हो जाता है तो लंच के उसको सोचते हैं, लेकिन ये ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो समय है, उस समय में हम सुखी होना चाहते हैं नहीं होना चाहते, सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं नहीं जीना चाहते, तो उस बच्चे को ये बात लिखी कि बात तो ठीक है ना। तो दिखता है कि सम्मान जो है वो निरंतर चाहिए और शरीर की जो आवश्यकता है वो सामयिक है। ऐसे ही जो शरीर की आवश्यकता को देखने जाएंगे तो भोजन जो है वो मात्रात्मक है। कितना भोजन करेंगे ये हम देख सकते हैं, तो कितनी रोटी खाएंगे, कितना दाल लेंगे, कितना दही लेंगे, कितना अचार लेंगे, है ना, ये इसकी मात्रा हम तय कर सकते हैं। और उस आधार पर मेरा महीने का खर्च क्या होगा, साल का खर्च क्या होगा, इस बात को भी हम लोग अपने में तय कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मकान की आवश्यकता को देखें तो हम एक मकान में, है ना, हमारा एक मकान हो, उसमें 2 BHK हो, 3 BHK हो, तो ये एक मात्रात्मक बात है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में 100 कमरे हों तो ये 100 भी जो है वो मात्रात्मक, या हमारे पास 100 घर हो तो ये 100 जो है ये भी एक मात्रात्मक बात है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, मेरा, है ना सेल्फ जो है वो सुखी होना चाहता है, तो ये दिखता है कि मुझे 2 लीटर सम्मान चाहिए या 5 लीटर विश्वास चाहिए, ऐसा नहीं। या तो मेरे में सम्मान है या नहीं है, या मैं सुखी हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रहा हूँ, अर्थात वो एक गुणात्मक बात है। तो मैं में जो भी आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं गुणात्मक हैं, लेकिन शरीर की हर एक आवश्यकता ये मात्रात्मक है। तो इतने में अगर हम में से किसी का कोई एक्सप्लोरेशन बन रहा हो, कोई प्रश्न हो, तो वो ले लेते हैं। तो जैसे तृप्ति दीदी हैं, बताएं दीदी आपका कोई प्रश्न हो तो, ग्वालियर से आप हैं। जी, मैं मॉर्निंग में जो सेशन चल रहा था उसमें बोलना चाहती थी, अभी कोई प्रश्न नहीं है। ठीक, बात ठीक बहुत अच्छी चल रही है, उसे आप कंटिन्यू रखिए। ठीक ठीक, तो हमारे साथ उदय जी, उदय राम जी हैं, उदय राम विश्वकर्मा जी हैं, अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूँ तो, आप नरसिंहपुर से हैं, आपका कोई प्रश्न है इस बात से? हेलो जी, जी सर। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर। जी जी, और जो आपके विचार हैं सर उससे हम सहमत हैं, और वही आवश्यकता जो है उसी आधार से चलना चाहिए तो मानव जीवन का निरंतर निर्वहन हो सके। ठीक बात, ठीक बात, ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया। ऐसे ही अगर देखें तो संगीता दीदी अपने साथ हैं। संगीता दीदी, आपके पास माइक है। जी सर। जी, जी सर। आपकी आवाज कट रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ कनेक्शन का इशू है। ठीक है, मुकेश जी हमारे साथ हैं। मुकेश सर नमस्ते।
आपका कोई प्रश्न हो इस बात से? जी, विनीता जी भी हमारे साथ हैं। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मैम। सर मेरा इसमें आपने जो अभी बातें बताई, पहला शरीर की आवश्यकता और दूसरी मैं की आवश्यकता, इन दोनों बातों से मैं सहमत हूँ। और इसके साथ मुझे ये भी लग रहा है कि इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाने के लिए एक बहुत जद्दोजहद चलती है, जो कि परेशानी का कारण पड़ती बनती है हमेशा, मेरा ऐसा मानना है। तो सर वो क्या सामंजस्य हो, वो क्या चीजें हो जिसके बेस पे हम इन दोनों में सामंजस्य स्थापित कर सकें, ताकि जो हम जो चाहते हैं या जो सुख की अनुभूति है हमें वो वास्तविक रूप में हो सके। थैंक यू सर। जी जी, तो दीदी देखेंगे तो बात ये हो रही है कि ये जो दोनों ही रियलिटीज हैं, इनकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं। अभी इसको सेशन के आगे एड्रेस भी करेंगे, तो तारतम्य नहीं बिठाना है, इन दोनों को सीधे सीधे देख लेना है कि ये दोनों ही आवश्यकताएं हैं, है ना। तो जी, एक आवश्यकता है जो वो निरंतर है, दूसरे की जो आवश्यकता है वो सामयिक है। तो आगे इस बारे में और भी बात हम लोग करेंगे। तो तारतम्य नहीं बिठालना है, सीधे सीधे जो आवश्यकताएं हैं उसको देखना है, पूर्ति कैसे होगी उसको देखना है और उसके लिए प्रयास करना है। जी सर, थोड़ा और इसको इलेबरेट करेंगे, क्योंकि जो मैं चाह रही थी शायद वो आंसर निकल के नहीं आ पा रहा था। एक्चुअली मैं मेरा ये सोचना था सर कि जैसे शरीर की आवश्यकताएं हैं, हम आराम करते हैं ठीक है, भोजन लेते हैं ठीक है, और मकान वगैरह की सुविधाओं का हम उसमें लाभ उठाते हैं वहां तक ठीक है, ये एक हमारी जरूरत है। और उसकी आवश्यकता की मात्रा जैसा कि आपने बताया हम उसको मिनिमाइज करके कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैं की आवश्यकता है, जो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको हम कहते हैं, क्या वो सच, या वो कई बार बढ़ जाता है और उसके कारण जो परेशानियां आती है, तो मिलने के कारण जो परेशानियां आती हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है? जी, तो आपके प्रश्न को जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ दीदी, वो ये है कि इसकी पूर्ति कैसे हो। तो शायद आगे, हाँ आगे इस पर बात करेंगे दीदी। अभी ये बात, मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों आवश्यकताएं हैं, है ना जी, एक शरीर की और एक, है ना, मैं की जो आवश्यकता है, तो शरीर की हर एक आवश्यकता मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है, और मैं की जो आवश्यकता है वो गुणात्मक है। ये बात अपने को स्पष्ट हो पा रही है क्या? जी हाँ जी हाँ, ये इतनी बात। थैंक यू, बढ़िया, ठीक है दीदी, आगे चलते हैं, तो हो सकता है आपका प्रश्न उत्तरित हो जाए। तो यहाँ ये प्रश्न है कि क्या ये आवश्यकताएं भिन्न है या एक जैसी है, क्या लगता है? चैट बॉक्स में हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ये दोनों ही आवश्यकताएं एक हैं या भिन्न है, तो चैट बॉक्स में हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो अच्छी बात है कि हम ये देख पा रहे हैं कि ये अलग अलग है। साथ साथ ये भी हम लोग चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और रिफ्लेक्शन को भी ले सकते हैं कि आखिर ये दोनों आवश्यकताएं अगर भिन्न है, है ना, तो हम रिफ्लेक्शन ले सकते हैं भैया इस समय, और साथ साथ ये भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि क्या दोनों प्रकार की आवश्यकताएं महत्वपूर्ण है। तो सेल्फ सुखी होना चाहता है वो भी महत्वपूर्ण है, और शरीर की आवश्यकता जो कि भोजन दिखती है, है ना, मकान दिखती है, वो भी महत्वपूर्ण है। तो क्या लगता है, चैट बॉक्स में आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, दोनों ही आवश्यकताएं अलग अलग हैं और महत्वपूर्ण हैं, ऐसा आप कह पा रहे हैं चैट बॉक्स में? अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो एक चीज और अपने में हम लोग देखें कि क्या हम दोनों प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा भी करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण तो है तो क्या पूरा भी करना चाहते हैं? क्या लगता है, दोनों आवश्यकताएं अलग हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, और दोनों ही आवश्यकताओं को हम पूरा भी करना चाहते हैं, इनमें से किसी भी आवश्यकता को हम छोड़ना नहीं चाहते, क्या लगता है? ठीक बात है, तो चैट बॉक्स में आप जैसा कह रहे हैं, ये दोनों ही आवश्यकताएं अलग अलग हैं,
दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों को ही हम पूरा करना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है। यहां से अगर देखें तो एक और रिफ्लेक्शन अपने में बनता है देखने के लिए कि क्या हम दोनों को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो क्या हम भोजन की आवश्यकता, कपड़े की आवश्यकता, मकान की आवश्यकता के लिए कार्य कर रहे हैं, साथ साथ हम सुखी होने के लिए, समृद्ध होने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। तो इसको भी हम लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या हम दोनों के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे भावना दीदी कह रही हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो अच्छी बात है कि शरीर और मैं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन ये पूरकता क्या है, है ना? एक दूसरे के सहयोगी हैं, ये बात अगर अपने को निकल के आ पाती है, समझ पाते हैं, तो पूरकता के अर्थ में ही प्रयास करते हैं, अच्छी बात है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं जिम्मेदारी लेता है, है ना? तो ऐसी कोई चीज शरीर तक नहीं पहुंचने देता जिससे शरीर को नुकसान हो, और जो है ना, और जो शरीर है वो मैं को, है ना, सुखी करने के लिए, समझदार, जिम्मेदार बनाने के लिए, जैसे हम लोग ये सुन रहे हैं, ये सुनने की क्रिया तो शरीर के द्वारा हो रही है, तो हम जो कुछ समझने का काम कर रहे हैं उसमें शरीर सहयोगी है, है ना? तो अच्छी बात है। तो चैट बॉक्स में आप लोगों ने इस बात को रिफ्लेक्ट किया कि दोनों ही आवश्यकताएं अलग अलग हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं, दोनों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, है ना? अच्छी बात है। तो जैसे एक अच्छा रिफ्लेक्शन तृप्ति दीदी लिख रही कि हम निरंतर प्रसन्न रह सकते हैं शरीर की कम आवश्यकता के साथ, लेकिन जब हम सोसाइटी में रहते हैं यहाँ हमें दूसरे की भी जरूरत पड़ती है। तो दीदी हम अभी फिलहाल यही कहेंगे कि जब सोसाइटी की बात हम करेंगे तो उसमें व्यवस्था कैसे बन सकती है उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम सीधे सीधे अपने में रिफ्लेक्ट करें कि मेरे लिए ये दोनों आवश्यकताएं महत्वपूर्ण हैं क्या, और दोनों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं क्या। तो इस बात को हम लोग देख सकते हैं। फिर अगर इसको पूरा करने के प्रोग्राम को देखेंगे, है ना, तो शरीर की जो आवश्यकता है वो तो किसी भौतिक रासायनिक वस्तु से पूरी होती है, तो कोई फिजियोकेमिकल थिंग है जिससे कि वो पूरी होती है। जैसे भोजन है वो कोई केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, फिजियोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे शरीर की आवश्यकता पूरी हो रही है। ऐसे ही शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जो हम घर चाहते हैं वो घर कोई फिजिकल स्ट्रक्चर है जिससे वो आवश्यकता पूरी होती है। लेकिन वहीं जब मैं की आवश्यकता जो कि सुख है उसको पूरा करने की जब बात है, तो ये दिखता है कि सुखी तो मैं सुख को सही सही समझ के, अपने में सही भाव को स्थापित करके ही हो सकता हूं। तो सुख को पूरा करने के लिए, निरंतर सुखी होने के लिए अपने में सही समझ, सही भाव का विकास, ऐसी आवश्यकता दिखती है। तो जितना जितना अपने में सुख को लेकर, निरंतर सुख को लेकर क्लैरिटी बनती जाती है उतना उतना मैं सुखी हो पाता हूं। तो देखेंगे तो ये दिखता है। अब इसको एक एग्जांपल से अगर समझें, है ना, पूरी बात को, तो ये दिखता है कि आखिर सपोज अगर हम एक अपने मित्र के यहाँ गए, है ना, और उस मित्र के यहाँ जाते हैं और वो हमें मतलब बहुत सारी जो भी चाय नाश्ता है वो कराते हैं अच्छे से, और घंटे दो घंटे जो मैं बैठता हूँ वहाँ के बाद जब जाने लगता हूँ तो वो कहते हैं कि भाई देखिए कभी कभी आ जाया करिए, ऐसा भोजन ऐसा नाश्ता तो आपके घर मिलता नहीं होगा। तो बेसिकली हुआ क्या वहाँ पे कि शरीर की जो आवश्यकता थी वो तो पूरी हुई, लेकिन जो मैं निरंतर सुखी होना चाहता था, निरंतर सम्मान चाहता था, वो पूरा नहीं हुआ। तो एक क्षण के लिए भी अगर मैं अपने में अपमान को महसूस करता हूँ तो अगली बार के लिए मैं सोचता हूँ कि जाऊं कि ना जाऊं, है ना। वहीं अगर आप मित्र के यहाँ गए, है ना, मैं मित्र के यहाँ गया और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, बहुत सम्मान मिला, लेकिन काफी देर हो गया, एक गिलास पानी भी नहीं मिला, है ना, तो ये दिखता है कि जो पानी नहीं मिलना है वो भी हमें परेशान करता है, है ना। लेकिन इस वाले ऑप्शन के साथ एक अच्छाई क्या है कि अगर मैं संबंध को देख पाता हूँ, अपने में संबंध की ठीक ठीक समझ है, तो मैं उस व्यक्ति से एक गिलास पानी का आग्रह भी करता हूँ, या मैं खुद ही किचन में चला जाता हूँ और पानी ले आता हूँ,
तो देखने में ही आता है कि ये जो दोनों ही आवश्यकताएं हैं इनको सेपरेटली कैटर करना जरूरी है, और जब भी हम इसको सेपरेटली पूरा करने जाते हैं तो ये दिखता है कि एक आवश्यकता तो भौतिक रासायनिक वस्तु से पूरी होगी, दूसरी आवश्यकता जो कि मैं की है ना, वो सही समझ और सही भाव से पूरी होगी। तो ये बात यहाँ कही जा रही है कि दोनों प्रकार की आवश्यकताएं अलग अलग हैं, और कैसे अलग अलग हैं उनको समझना होगा और उनको अलग अलग ही पूरा करना होगा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी शरीर की आवश्यकता को अगर सही समझ और सही भाव से पूरे करने की कोशिश करें तो वो पूरा नहीं होता। तो जैसे वही मित्र सुबह से लेकर शाम तक आपसे बहुत सम्मान पूर्वक पेश आए लेकिन भोजन नहीं दें तो वो बात बनेगी नहीं, है ना। और वैसे अगर बहुत सारा भोजन दें और ये आप सोचें कि सम्मान इससे इंश्योर हो जाएगा तो वो भी नहीं होता है। तो सुखी होने के लिए सही समझ और सही भाव अपने में इंश्योर करना ये आवश्यक दिखता है, और शरीर की आवश्यकता तो किसी भौतिक रासायनिक वस्तु से पूरी होगी होगी ऐसा दिखता है। तो यहाँ तक अगर कोई प्रश्न बनता है तो उसको हम लोग देख सकते हैं। किसी आप में से किसी का हैंड रेज हो तो बता सकते हैं। तो दोनों ही आवश्यकताएं अलग हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं, दोनों को पूरा करने जाते हैं तो एक भौतिक रासायनिक वस्तु से पूरी होगी आवश्यकता जो कि शरीर की आवश्यकता है। जी जी भैया, मैं सर श्री मंजू दायमा जी हैं। जी जी मंजू मैम नमस्ते, और श्रीमती भारती साकिया जी भी हैं। आप दोनों के पास माइक है, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात कर सकते हैं। जी मंजू मैम नमस्ते, भारती जी नमस्ते। भैया हम लोग अंजना खरे जी और दिनेश कश्यप जी भी हैं हमारे साथ। जी मंजू मैम नमस्ते, स्वागत है आपका, माइक अनम्यूट हुआ है। जी सर नमस्ते। सर सर मैं और शरीर, शरीर की सीमा तो भौतिक सुख सुविधाओं से पूर्ण हो जाती है पर मैं की सीमा तो कभी खत्म ही नहीं होती है, वो बढ़ती जाती है। जी तो देखें दीदी की जो ये सुखी होना मैं चाहता हूँ है ना, जी ये या तो मैं सुखी हो पाता हूँ या नहीं हो पाता हूँ, ये बढ़ने घटने जैसा नहीं है। तो जैसे अगर मैं सुख को ठीक ठीक समझ पाता हूँ तो ये दिखता है कि अपने में व्यवस्थित रहना ही सुख है, नहीं समझ पाता हूँ तो कई बार को मैं आवेश को ही सुख मान लेता हूँ। तो अगर मैंने आवेश को सुख माना हुआ है तब तो मैं उसको घटाता बढ़ाता रहता हूँ और ऐसा लगता है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। तो बात यहाँ ये कही जा रही है कि सुख मुझे हर क्षण हर पल चाहिए। तो एक बार निरंतर सुख क्या है वो अपने में सही से लोकेट हो जाए, सही से अपने को समझ में आ जाए तो निरंतर सुखी हम हो सकते हैं। तो उसी को यहाँ ये कह रहे हैं कि मैं की आवश्यकता को समझ के है ना, अपने में सही भाव क्या है इस बात को देख के पूरा कर सकते हैं। और जैसा आप कह रही हैं कि शरीर की जो आवश्यकता है वो तो किसी फिजियोकेमिकल थिंग से पूरी होगी। जी जी ठीक है दीदी। हाँ जी सर थैंक यू सर। ये देखें कि कहीं सुख को हमने आवेश को ही सुख तो नहीं मान लिया है ना, इसको एक्सप्लोर करें दीदी थोड़ा। जी 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 भैया सुनीता दीदी भी हमारे साथ हैं, सुनीता शर्मा दीदी। सुनीता दीदी आपका कोई प्रश्न है? हाँ नमस्कार सर। कई बार ये देखने में आता है सर कि जब मैं की भावना है यदि हम मैं पे ज्यादा ध्यान देते हैं तो कई बार अहंकार या घमंड का रूप ले लेता है सर, और उससे जो संबंध जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ने लगते हैं। तो सर जैसा कि आपने कहा कि सही समझ और सही भाव से हम कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको और समझना चाहूंगी सर, क्योंकि ये जो घमंड या अहंकार है शायद ये मैं को कहीं ना कहीं कुचल देता है सर। जी जी अच्छी बात है। तो देखेंगे तो अभी इसको आगे वैसे चर्चा भी करेंगे, परिवार के संबंध में जब बात करेंगे तो चर्चा करेंगे। अभी संक्षिप्त में अगर देखें तो ये दिखता है कि अपने में अगर भाव को हम ठीक ठीक समझ नहीं पाते, तो अगर हम सम्मान को ठीक ठीक नहीं समझ पाए तो हम डिप्रेशन या अहंकार में तो जा ही सकते हैं।
अगर हम स्नेह को विश्वास को ठीक ठीक समझ ना पाए तो विरोध में ईर्ष्या में जा ही सकते हैं। तो बात तो यह है कि जो संबंधों में भाव की हमें अपेक्षा है ना, जो हम चाहते हैं वो अगर ठीक ठीक समझ पाए, फीलिंग्स को ठीक ठीक समझ पाए, अपने में लोकेट कर पाए, तो अपने में सम्मान के साथ बने रह सकते हैं, है ना जी। नहीं समझ पाते हैं तो उसके आउटकम के तौर पर जो आप बातें आप कह रही हैं, फिर अहंकार होता है, कभी कभी डिप्रेशन भी हो जाता है, ईर्ष्या भी होती है, ये सारी बात ठीक है दीदी जी सर, ठीक है। बाकी इस पे कैसे होता है इसको डिटेल में हम लोग परिवार की जब चर्चा करेंगे तो करेंगे। जी जी धन्यवाद सर। जी जी तो अच्छी बात है। पुलिस भैया भी हैं, मंजू दायमा जी हैं, नमस्ते मंजू दीदी, बताएं आपका कोई प्रश्न हो तो। जी मंजू दी दीदी से साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक तो जी अंजना दीदी हैं, अंजना दीदी नमस्कार सर, मैं अंजना, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, इसमें ये जो आपने बताया ये मुझे कुछ हद तक तो मैं सहमत हूँ, पर एक मन कह रहा है कुछ, मैं अपना जो मन में भाव आ रहे हैं मैं वो व्यक्त कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आप इससे सहमत हो। इसमें जो आप बता रहे हैं कि ये जो शरीर की जो आवश्यकता है ये सीमित मात्रा में होती है, पर यदि हम जैसे आजकल जो फैशन है नित नए रोज वस्त्रों में आभूषणों में महिलाओं में या पुरुषों में जो नए आधुनिक सामान आ रहे हैं तो मनुष्य को लगातार आवश्यकता बनी रहती है, ये हो गया तब ये हो जाए अब ये हो जाए, तो उसको तो कुछ सीमित है ही नहीं इसके बारे में भौतिक रासायनिक वस्तुओं में जी। और ये जो आपने ये लिखा है नीचे लाइन थोड़ा सा कंट्रडिक्शन लग रहा है मेरे कुछ में कि शरीर की आवश्यकताओं को केवल सही समझ और सही भाव से पूरा नहीं किया जा सकता, तो जो शरीर की आवश्यकताएं हैं वो हम सही समझ और सही भाव से पूरा कर सकते हैं यदि हम चाहें कि हमें ये चीज नहीं चाहिए, हम समझ बना लें सही भाव रखें तो हम अपने सीमित मात्रा में ही काम चला सकते हैं जी। और हमारी जो ये लिखा हुआ है ना जी, यहाँ जो ये बात लिखी हुई है कि सही समझ से शरीर की आवश्यकता पूरी नहीं किया जा सकता, यहाँ इसका आशय ये है कि अगर हमें शरीर की आवश्यकता है तो वो बात से पूरी नहीं होगी या सम्मान से पूरा नहीं होगा या मैं समझ लूं तो मेरा पेट नहीं भर जाएगा, आशय यहाँ इसका ये है। तो अच्छा, मुझे भूख लगी अच्छा, हुई मैं है सेंस ले रही कि मैं अपनी समझ बनाऊं अपने भाव लाऊं कि मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं नहीं कर पाऊंगी नहीं करूंगी, मेरे मतलब मैं अपनी इच्छाओं का दमन करूं, मुझे नहीं चाहिए सही समाज बना लूं कि मेरा इतना ही मुझे संतोष है, मैं जितनी सामान ये जो भी चीजें हैं मुझे नहीं चाहिए सीमित मात्रा में चाहिए, तो थोड़ा सा ये लाइन मुझे वो लग रही है जी, मतलब दूसरे सेंस में इसको समझ रही हूँ। नहीं तो प्रश्न दीदी ये है आपका कि ये जो समझ लेंगे तो सीमित में ही काम चल जाएगा, ऐसा कह रही हैं आप? हाँ ऐसा कह रही हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना कि अगर हम आवश्यकता की पहचान को ठीक ठीक कर लेंगे तो पता चलेगा कि शरीर की आवश्यकता सीमित है। हाँ तो सही समझ हमारी पैदा हो रही है, सही भाव पैदा हो रहा था, हम इसको पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात, ठीक बात है। थोड़ा सा मुझे ये जी, लेकिन यहाँ जो ये बात लिखी हुई है वो इस जी आप जो संबंध बताया वो भी मतलब इसमें फिट है, हो रहा है और मेरा भी फिट हो रहा है जी, मेरा मतलब नहीं आया तो इसलिए मेरा जो विचार है वो इसमें फिट नहीं हो रहा है और आप जो बोल रहे हैं वो आपको उसमें फिट हो रहा है। ठीक ठीक है सर, ठीक है। तो थैंक यू सर, कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ इतनी बात ये कही गई है कि दोनों ही आवश्यकताएं जो है उनको अलग अलग समझना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग है और दोनों को पूरा करने के लिए प्रोग्राम भी अलग अलग बनाना पड़ेगा। प्राथमिकता की अगर बात करें, जीने में प्राथमिकता की बात करें तो ये दिखता है कि सही समझ और सही भाव के लिए जो भी हम समय और प्रयास लगाया जा रहा है उसको भी हम जरा देखें कि हम कितना समय अपने में सही समझ सही भाव है ना निरंतर सुख को समझने में कितना समय लगा रहे हैं, और ये भी अपने में रिफ्लेक्ट करें और चैट बॉक्स में लिख सकते हैं
कि भौतिक सुविधा के लिए कितना समय और प्रयास लगा रहे हैं, इनमें से किसके लिए ज्यादा प्रयास लगा रहे हैं। तो इसको चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। कि हमारा जो प्रयास है पूरे दिन का, उसमें से किस बात को लेकर हमारा प्रयास है ज्यादा, भौतिक सुविधा के लिए या सही समझ सही भाव के विकास के लिए। ठीक है, इसको हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो अच्छी बात है कि मनु दीदी कह रही हैं कि है ना, कि ज्यादा समय तो भौतिक सुविधा के विकास के लिए ही लगा रहे हैं। और यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन भी ले लेते हैं। तो आप लोग की स्क्रीन पर ये जो रिफ्लेक्शन है उसको हम लोग देख सकते हैं। है ना, तो ये देख पा रहे हैं हम कि इन दोनों जरूरतों को पूरा करना है ना, और साथ साथ क्या है, हम ये देख पा रहे हैं कि मैं अपना ज्यादातर समय और प्रयास सुविधा के लिए लगाता हूं या सही समझ और सही भाव के विकास के लिए लगाता हूं। क्या लगता है? और इस बीच में से किसी का कोई प्रश्न है तो उसको भी एड्रेस कर लेते हैं। मनीष भैया हैं, मनीष कुमार सोनी जी हैं जी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बातें मैं कल से लगातार सुन रहा हूँ और अभी जो आपने प्रश्न रखा है सर, हम जब बचपन से अपने आप को देखते हैं तो हमको ये बताया जाता है कि तुम ऐसा कर लो तो तुम सुखी हो जाओगे, तुम पढ़ लो तो तुम सुखी हो जाओगे, तुम अच्छी तरह पढ़ाई करो, तुम ये वाला कोर्स कर लो तो तुम सुखी हो जाओगे। और हम भौतिक सुविधाओं को ही आधार मानकर अपने सुख को तलाश करते हैं, हमारा ये सुख बदलता रहता है। कभी हम सामान्य गद्दे में सोकर सुख महसूस करते, फिर हमको लगता है कि यार वो और मोटा गद्दा ले आए तो हमको और सुख मिलेगा। तो हमारा जो पूरा कहना चाहिए कि सॉफ्टवेयर बन गया है वो तो भौतिक सुविधाओं को दृष्टि रखते हुए ही सुख ढूंढ रहा है सर। और अब हम इतने बड़े हो चुके हैं उस कॉन्सेप्ट को लेकर कि जो आप ये बता रहे हैं कि सुख की जो निरंतरता है वो भौतिक सुविधाओं में नहीं, हम इससे अपने आप को कैसे अलग करें सर? जी, अच्छी बात है, अच्छा सवाल है और ये प्रश्न हम सभी के मन में है ही है कि अभी हमारे जो संस्कारों का निर्माण हुआ है वो एक तरीके के शिक्षा संस्कार से हुआ है और एक तरीके का मानना हमारे सामने प्रस्तुत किया गया जो कि एक तरीके से समस्या भी है, उससे निकला कैसे जाए। तो निकलने के लिए दो ही बातें हैं भैया मैं जो अपनी तरफ से कह सकता हूँ। एक तो सही क्या है उस वस्तु को ठीक ठीक देख लिया जाए, और उसको जब देखने जाएंगे तो अपने अंदर जो जांच परख का इनिशिएशन होना है ना, जांच परख अपने अंदर ठीक ठीक शुरू हो पाए, वो काम मुझे लगता है कि एक तो सही वस्तु को पकड़ना और उस वस्तु को अपने अंदर एक्सप्लोरेशन करना उस है ना वस्तु के साथ, ये दो महत्वपूर्ण काम दिखते हैं। और ये एक लंबी प्रक्रिया है, मतलब आज जो हम हैं वो बहुत सारा चीजें स्वीकार कर चुके हैं उसके साथ है। तो उस स्वीकृति को हमें कहीं ना कहीं अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांच के परख के देखना है। तो उसके लिए अपने में एक्सप्लोर करना, वेरीफाई करना है ना सहज स्वीकृति के आधार पर, और वैलिडेट करना, विधि तो यही है इसकी। और समय लगेगा है ना, जितना जितना हम सही समझ सही भाव के भी अपना प्रयास लगाते हैं उतना उतना हम उसको पूरा भी कर पाते हैं। तो अभी जो बात कही गई है वो तो बात यही है कि क्या हम इस बात को अपने में देख पा रहे हैं कि नहीं, कि शरीर और मैं दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग, उनको पूरा करने का प्रोग्राम अलग अलग। शरीर की आवश्यकता को जब भी सम्मान से पूरा करने जाएंगे वो पूरा नहीं होता, या सम्मान की आवश्यकता को किसी भौतिक रासायनिक वस्तु से पूरा करने जाएंगे तो पूरा होता नहीं होता।
इस बात को सीधे सीधे अगर मैं अपने अंदर देख लेता हूँ, रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ, तो जी के भी देखता हूं तो अपने में कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं नहीं ये बात ठीक है। तो उसको देखा जाए, जैसे एक चीज पहले बताई गई थी उसको भी हम लोग देख रहे हैं, जी रहे हैं, है ना, और उसका ये उपकार है कि जितना पहले थे उससे बेहतर आज हो पा रहे हैं। आज अगर जो हमारी समस्याएं हैं उसको आज के संदर्भ में, है ना, अपनी सह स्वीकृति के आधार पर जांच पाते हैं तो मेरा कल बेहतर हो पाता है। तो कल मैं और अपने सुख को और संयत कर पाता हूँ, है ना, सुख के कंटेंट को अपने में बढ़ा पाता हूँ। ठीक बात है मनीष भैया? सर बिल्कुल आप जो अपनी बात कह रहे हैं सही सर, और मैं अभी शेयरिंग भी सुन रहा था सुबह के सेशन में, तो बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनकी धारणाएं बदल गई हैं एक दिन में, कल से सेशन शुरू हुआ आज उनकी धारणा बदल गई, या तो वो पहले से बहुत अच्छे हैं या फिर कहीं बातों में कुछ अंतर है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो जैसा कि रिफ्लेक्शन पोल जो था हम लोगों के सामने उसको मैं देख पा रहा हूँ, तो ये दिखता है कि हम में से ज्यादातर लोग इस बात को देख पा रहे हैं, है ना, कि जो सही समझ और सही भाव है ना, उसके लिए वो अधिकांशता समय लगा रहे हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। ठीक बात है। तो यहाँ से आगे अगर चलते हैं, और मानव में जो मैं और शरीर दोनों साथ साथ, है ना, सहअस्तित्व में है, इसको जब समझने जाते हैं और क्रियाओं के माध्यम से समझते हैं, है ना, तो ये दिखता है कि शरीर में जो क्रियाएं हैं वो तो चलना, बोलना, हंसना, रोना, इस तरह से दिखाई देती है। परीक्षित भैया मेरी आवाज आ रही है? जी भैया आ रही है। जी भैया ठीक आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे थोड़ा डाउट हुआ तो मैंने कहा कंफर्म कर लूं। हम लोग ध्यान दिला देंगे भैया। नहीं नहीं ठीक है। तो शरीर की जो आवश्यक, शरीर की अगर क्रिया को देखें तो शरीर में हंसना, चलना, बोलना, है ना, इस तरह की क्रियाएं दिखती हैं और वो सामयिक हैं। तो हम लगातार खा नहीं सकते, लगातार चल नहीं सकते, लगातार बोल नहीं सकते, वो एक विराम के साथ ये क्रियाएं हैं। इसमें अगर और बारीकी से देखें तो कई बार ये अपने में प्रश्न बनता है कि शरीर में जो सांस चल रही है वो तो लगातार चल रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? तो बेसिकली सांस को भी अगर अच्छे से देखेंगे तो ये दिखता है कि सांस का चलना भी दो क्रियाओं के योगफल में, तो एक बार सांस हम लेते हैं और उसके बाद फिर छोड़ते हैं, तो उनके बीच भी एक गैप है ना? या अगर हम ब्लड के सर्कुलेशन को देखें तो एक बार ब्लड हृदय से धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में जाता है, पंप होता है, और फिर शिराओं के माध्यम से वो दोबारा हृदय तक आता है, तो देखेंगे तो इसमें भी एक गैप है। लेकिन वहीं जब मैं की क्रियाओं को देखता हूं तो वो मुझे इच्छा, विचार, आशा के तौर पर दिखाई देती है। तो मैं अपने, है ना, मैं सेल्फ में, मेरे सेल्फ में, है ना, कुछ इच्छाएं चल रही हैं, कुछ विचार चल रहा है, उससे रिलेटेड कुछ आशा बनी हुई है। तो ये जो इच्छा है, ये विचार है, ये आशा है, ये बदल तो रही है, लेकिन जो इच्छा की क्रिया है, विचार की क्रिया है, आशा की क्रिया है, वो मेरे में निरंतर बनी हुई है। तो एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा, है ना, मैं बना के चलता हूं, लेकिन देखेंगे तो वो मेरे में इच्छा की क्रिया बनी हुई है, विचार की क्रिया बनी हुई है, आशा की क्रिया बनी हुई है। तो कोई ऐसा क्षण अपने में नहीं दिखता जब मेरे अंदर इच्छा ना हो, विचार ना हो, आशा ना हो। इस बात को हम लोग रिफ्लेक्ट करें अपने में, है ना, देखें कि ये बात ठीक है या नहीं। मतलब कोई ऐसा क्षण है क्या जब ये क्रियाएं मेरे में नहीं चल रही? तो यहाँ एक प्रश्न ले लेते हैं भैया, हम में से किसी का अगर हैंड रेज हो। परीक्षित भैया, राघवेंद्र भैया, हेलो, जी भैया जी, हेलो, नमस्कार सर, मैं डॉक्टर अतुल कुमार राय तो ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जी अतुल सर नमस्ते। जी हाँ नमस्ते सर, आवाज आ रही है सर प्रॉपर? जी आ रही है, आ रही है सर।
सर वो अपना मैं सेल्फ और बॉडी से संबंधित बात थी जो पहले मैंने सेशन में हाथ उठाया था, तो उसके संबंध में कुछ कहना चाह रहा हूँ यदि आप आदेश करें तो बोलता हूँ। जी 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 सर। एक्चुअली क्या है कि हमारी जो परवरिश होती है वो इसी आधार पर की जाती है कि हम उस समय मैं और बॉडी को अलग कर ही नहीं पाते हैं। तो परिवार चाहता है कि अगर पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ये एक धारणा बनाई गई थी स्टार्टिंग में कि आपको पढ़ाई लिखाई करना है और आपके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, तो वो शरीर के लिए आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जरूरी है। तो हम उस समय मैं को समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन बचपन में हमको ये भी, बचपन में हमारी धारणा ये होती है कि जब हम बच्चे होते हैं तो अगर हमारे पिताजी बस हमारे दोस्त के सामने डांट देते हैं, चाहे वो आजकल तो जनरेशन गैप 3-4 साल का बच्चे को भी अगर आप किसी फ्रेंड के सामने या सबके परिवार के सामने यदि आप डांट दें तो उसको कहता है कि मेरे को बाद में है कि मेरे को सबके सामने नहीं डांटा करो, तो उसके अंदर सम्मान की भावना भी पनपने लगी है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं उसके बाद में जब इस अवस्था में आते तब आप जैसे लोग जो प्रोग्राम चला रहे हैं तब हमको समझ में आता है कि मैं और शरीर क्या है, क्या शरीर के लिए आवश्यकता है और क्या मैं के लिए आवश्यकता है। तो जो आप बता रहे हो वो तो बहुत ही जरूरी है आज के परिवेश में, क्योंकि आवश्यकताएं लोगों की अनंत होती हैं, उसके आकार उसी के कारण ही इच्छा अनंत हो रही है, विचार उसके अनंत आते हैं और एक इच्छा पूरी होती तब तक दूसरी इच्छा उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये आवश्यक है हम लोगों को जानने के लिए कि इच्छाएं और जो हमारे मैं के लिए आवश्यक है वो एक सीमित होना चाहिए और इसी प्रकार से शरीर की आवश्यकता भी सीमित होना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। आपकी बात को अगर मैं समझ पा रहा हूँ जी सर, तो उसमें मेरा इतना कहना है कि इच्छाएं अगर अनंत हैं तो एक दिन एक खाली समय में रविवार के दिन कॉपी पेन लेके बैठा जाए जी और उन सारी इच्छाओं को लिखा जाए जी। अगर अनंत होंगी तो रजिस्टर भर जाएगा और कई रजिस्टर भरेंगे, अगर अनंत नहीं होगी तो जितना भी हमने रजिस्टर में लिखा है जी उसको कम से कम हम अपने में आज की डेट में देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं कि वो दो तरह की मतलब नीड्स हैं, दो तरह की इच्छाएं जी। एक तो जो शरीर से संबंधित है जी उनको एक कॉलम में रख लें और एक जिसका सीधा सीधा संबंध मैं से जी वो दूसरी तरह की है ना बाजार से, तो एक बार वो लिख के देख ले। क्योंकि क्या है कि हमको बचपन में किसी ने बता दिया कि इच्छाएं अनंत हैं और संघर्ष ही जीवन है, उसको तो माने नहीं उसको, चलिए उस समय हमको किसी ने बता दिया, आज तो सीधे सीधे देख पा रहे हैं कि नहीं कि शरीर की आवश्यकता मैं की आवश्यकता से भिन्न है। बिल्कुल, अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो इनका पूरा करने का प्रोग्राम देखते हैं तो वो भी भिन्न दिखता है। बिल्कुल, और एक की आवश्यकता दूसरे मेथड से पूरी नहीं होगी और दूसरे की आवश्यकता पहले के मेथड से पूरी नहीं होगी। राइट सर, तो ऐसा नहीं है कि बचपन में हमें बता दिया गया होता तो बचपन में हम समझ जाते, अच्छी बात थी। लेकिन अगर आज हमारे सामने ये प्रस्ताव है तो क्या हम इस बात को देख पा रहे हैं कि मानव मैं और शरीर का सहअस्तित्व है, दोनों की आवश्यकताएं अलग हैं, पूरा करने का प्रोग्राम अलग है, शरीर की आवश्यकता मात्रात्मक है, मैं की आवश्यकता गुणात्मक है, इस बात को हम देख पा रहे हैं। वही बात कि जो इच्छाएं हैं वो अनंत इस दृष्टि से हमें दिखती है क्योंकि वो एक पूरी होती है तो दूसरी बनती हुई दिखती है, तो उसको हम लोग आगे के सत्र में देखेंगे किस वजह से हमें ऐसा लगता है। ओके सर, अच्छी बात है, अच्छा रिफ्लेक्शन रहा आपका, लेकिन जांचे परखे ऐसा, अच्छी बात है, थैंक यू सर। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो शरीर में रिस्पॉन्स के तौर पर दो रिस्पॉन्सेस दिखते हैं, तो शरीर में का जो निर्वाह करना है वो शरीर के पहचानने के आधार पर, तो शरीर जैसा पहचानता है उस आधार पर निर्वाह करता है। तो जैसे हम अगर मतलब वातावरण में टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री है तो शरीर उस 40 डिग्री टेम्परेचर को अपने सेंसरी ऑर्गन से पहचानता है, सेंसेस से पहचानता है और निर्वाह करने के अर्थ में है ना पसीना निकलता है ना, ये सारी चीजें। तो पहचानना और निर्वाह करना ये शरीर में रिस्पॉन्स के तौर पर दिखता है। वही शरीर अगर हम एसी में अगर एसी चला दें
तो उस टेम्परेचर को शरीर पहचानता है, निर्वाह करता है। लेकिन जब मैं को देखते हैं तो मैं में जो रिस्पॉन्सेज हैं वो पहचानना और निर्वाह करना उसमें भी बना हुआ है, लेकिन मानने के आधार पर। तो मैंने जैसा मान रखा है वैसा वो पहचानता है और निर्वाह करता है ना। तो जैसे अगर मैंने ये मान रखा है कि मतलब इतना टेम्परेचर ठीक है, तो उस आधार पर वो मतलब उसको अगर अच्छा समझता है तो उस आधार पर पहचानता है, निर्वाह करता है और शरीर को एक तरह का इंस्ट्रक्शन देता है ना। लेकिन इस मानने के साथ साथ मैं में जानना भी बना हुआ है, तो जानने का एक पोटेंशियल मैं में बना हुआ है ना। तो मानना तो हम है ना शुरुआत से करते आ रहे हैं, जैसा आप लोग कहते आ रहे हैं ना सेशन में, कि एक स्वीकृति तो हमारे अंदर बनी हुई है ना, कि सेल्फ है, कुछ तो है, शरीर के अतिरिक्त कुछ तो है, ये एक स्वीकृति हमारे अंदर बनी हुई है। लेकिन क्या हमने उसे जान लिया है ना। तो ये जानने का पोटेंशियल हमें बना हुआ है। तो मैं के रिस्पॉन्सेस को देखेंगे तो मैं में जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना, ये चार रिस्पॉन्सेस दिखते हैं है ना। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें बुखार आता है और हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं है ना, और डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को हमने है ना माना हुआ है कि ये डॉक्टर है। तो उस मानने के आधार पर, उस स्वीकृति के आधार पर मैं उसे डॉक्टर के रूप में पहचान रहा हूँ और निर्वाह करने के अर्थ में कि भाई डॉक्टर साहब आप हमें हमारा ट्रीटमेंट करिए है ना, मैं तैयार हूँ ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर ने कहा भाई आपको इंजेक्शन लगेगा है ना, तो आपने स्वीकार रखा है कि इंजेक्शन लगेगा। लेकिन वहीं अगर कोई पीछे से आपका कोई मित्र आ जाए और कहे कि कैसे डॉक्टर के पास चले आए हो, ये तो झोला छाप है, तो बेसिकली हुआ क्या कि आपका मानना बदल गया। अब ये मानना बदलते ही आपका पहचानना बदल जाता है। पहले डॉक्टर पहचाना था, अब झोला छाप डॉक्टर हो गया। निर्वाह करने के अर्थ में हम देख लें क्या हम उनके साथ सहयोग करेंगे इंजेक्शन के लिए, तो पता चलता है नहीं। लेकिन फिर भी अगर वो डॉक्टर ये चाहे कि नहीं इंजेक्शन तो लगेगा, आए हो तो इंजेक्शन को लगा ही दूंगा, तो शरीर उस इंजेक्शन को पहचानता है और निर्वाह करता है। तो चूंकि जो निडिल है वो एक कठोर वस्तु है ना, शार्प ऑब्जेक्ट है, तो वो एक हमारे शरीर में जो मुलायम वस्तु है उसके संपर्क में जब आएगी तो सिरिंज उसको पहचानती है और निर्वाह करती है। तो देखने में आता है कि शरीर जो है वो सिर्फ उस सिरिंज को पहचान रहा है और निर्वाह करना है। लेकिन मैं को देखते हैं तो मैं में मानने के आधार पर पहचानना और निर्वाह करना हो रहा है ना। तो अगर मैं ये जान जाता हूं कि ये डॉक्टर है, डॉक्टर का मेरे साथ क्या संबंध है ये मैं जान पाता हूं, तो मेरा मानना एक तरीके से निश्चित हो जाता है। उस आधार पर मेरा पहचानना निश्चित हो जाता है, उस आधार पर मैं निर्वाह में सहयोग करने लगता हूँ, उसमें एक निश्चितता दिखती है। लेकिन शरीर को देखेंगे तो शरीर में तब भी पहचानना और निर्वाह करना ही बना हुआ। तो इसको अगर देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है। तो जानने को यहां हम ये कह रहे हैं समझना, कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा देख लेना, वैसा समझ लेना, बिना किसी मिलावट के साथ, बिना किसी इंक्लूजन के साथ, जो वास्तविकता जैसी है उसको देख लेने को ही जानना कह रहे हैं। मानने को कह रहे हैं कि स्वीकारना। तो वो जानने के आधार पर भी हो सकता है और जानने के अभाव में भी हो सकता है। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी मानने के साथ बनी हुई है। तो जैसे बचपन में पिताजी ने एक बात ये कही थी कि देखो संबंध पूर्वक है ना, परिवार में एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखना वो अच्छी बात, हमने उस बात को मान लिया है ना, बिना जाने मान लिया। तो ऐसा नहीं है कि वो बात गलत है, लेकिन मैंने उसको स्वीकार लिया बिना जाने। तो धीरे धीरे जब समय बढ़ता है, आगे चलता है और एक समय जब हमारा अपना परिवार बनता है, तो वही हमें लगता है कि देखो ये हो नहीं पाएगा, पिताजी ने कहा जरूर था लेकिन ये संबंध पूर्वक चल नहीं पाएगा। तो हुआ क्या, जानने के बिना जब मेरा मानना हुआ तो वो बदल गया। पहचानने को यहाँ ये कह रहे हैं कि संबंध को पहचानना, तो मैं अपना संबंध दूसरे मानव के साथ पहचान पाऊं है ना, उस वास्तविकता की लाइट में मेरा
है ना, संबंध क्या है मानव के साथ, शेष प्रकृति के साथ, उसको पहचानता है। निर्वाह करने का यहाँ अर्थ यह है कि संबंध जो मैंने पहचाना है उसका निर्वाह कर पाऊं, है ना, तो निर्वाह उस अर्थ में कहा गया। तो शरीर का पहचानना और निर्वाह करना निश्चित है, मैं को देखने जाते हैं तो मैं का पहचानना और निर्वाह करना जानने और मानने के आधार पर है। यदि मानना जानने के आधार पर है तो मानना निश्चित होता है, सही होता है, और पहचानना और निर्वाह करना भी ठीक ठीक होता है। लेकिन यदि मानना जानने के बिना है तो मानना सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो इसी को समस्या कहा गया। तो अगर मेरा जीना मानने के आधार पर है ना, उस आधार पर मैं पहचान रहा हूं और निर्वाह कर रहा हूं तो वही समस्या है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे कानपुर संस्थान में वर्कशॉप चल रही थी, तो वहां एक बच्चा आया और उसने कहा कि भाई मैं पढ़ना चाहता हूं। उससे पूछा गया कि भाई पढ़ाई आपके लिए क्यों जरूरी है, क्या ऑब्जेक्टिव है पढ़ाई का। तो उसने बड़ा सरप्राइज एक सरप्राइज जवाब दिया उसने, है ना, कहा कि मैं पढ़ के IIT में जाके खूब पैसे कमाना चाहता हूँ और अपने मौसा जी का अपमान करना चाहता हूँ, उनको ये दिखा देना चाहता हूँ कि अकेले आप ही अमीर नहीं है, दुनिया में और लोग भी हैं, है ना। तो फिर उससे और इन्वेस्टिगेट किया गया और पूरी जब बात सुनी गई तो ये समझ में आया कि उनके पिताजी की डेथ हो गई थी और उनकी माता जी ने कहा कि शहर चले जाओ और मौसा जी से कुछ सहायता ले लो पढ़ाई के लिए। उस समय मौसा जी ने काफी अपमान पूर्वक शब्दों का इस्तेमाल किया। तो उस दिन से उस बच्चे के मन में ये बन गया, है ना, बच्चे ने ये मान लिया कि अब तो मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि इनको दिखा देना है, इनका अपमान वैसे ही करना है जैसे इन्होंने किया। ऐसे मानने के साथ जब हम पहचानते हैं, निर्वाह करते हैं, तो हमारा लक्ष्य एक तरह से चलता है। अब हुआ क्या उसमें कि उससे जब और अच्छे से बात की गई और एक्सप्लोर किया गया तो ये पूछा गया भाई कि ठीक है ऐसा अगर आपने कर लिया तो तीन पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। पहली ये कि हो सकता है कि आप मौसा जी जितना पैसा ना ही कमा पाओ, तब क्या अपने में जो सुखी होने वाली बात है वो आप हो पाती है क्या, एक बात ये भी देख लें। दूसरा ऑप्शन ये बनता है कि हो सकता है आपने बहुत सारा पैसा कमाया, मौसा जी से ज्यादा पैसा कमा लिया, आप अमीर हो गए, लेकिन जब आप अपमान करने के लिए मौसा जी के घर गए तो मौसा जी है ही नहीं है, मतलब वो अब इस दुनिया से गुजर चुके हैं। तो क्या लगता है, ये जो सुखी होने का प्रतिशोध लेने का जो विचार था वो पूरा नहीं होता है, तो अपने में सुखी होंगे या दुखी होंगे। और एक तीसरा ऑप्शन भी दिखता है कि आपने मौसा जी से ज्यादा पैसा कमा लिया और पहुंच भी गए और मौसा जी मिल भी गए, आपने उनको अपमानित भी कर दिया, और ये अपमान जब आप कर रहे थे तो मौसा जी के बेटे ने देख लिया, तो क्या लगता है ये श्रृंखला कब बंद होगी, है ना। तो देखेंगे तो हमने कुछ मान रखा था, उस आधार पे हमने अपने लक्ष्य को पहचाना, है ना, और निर्वाह किया, और मौसा जी के बेटे ने भी कुछ देखा और उसने कुछ माना और पहचाना और निर्वाह किया। अब यही एक समस्या है ना। तो देखेंगे तो ये बदल रहा है, मान्यता जो है वो जो बिना, है ना, बिना जाने जब हम किसी चीज को मान लेते हैं तो वही मान्यता है ना। लेकिन एक जो जानने का पोटेंशियल बना हुआ है वो तो हमारे अंदर है ही, है ना। तो एक बार हम इस बात को अपने में देखें, ये जो समस्या है हमारे जीवन की, जो भी समस्याएं हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मानने के आधार पर पहचान रहे हैं और निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मान्यता है ये तो समय के साथ, काल के साथ, परिस्थिति के साथ, है ना, देश के साथ बदल रही होती है। तो जैसे कपड़े को देखें तो मेरे, अगर मैं अपने पिताजी के पुराने फोटोज को देखता हूँ तो दिखता है कि 20 इंच 25 इंच मतलब 20 इंच 22 इंच का बेल बॉटम वो पहना करते थे। तो जो ये कपड़े का फैशन है वो समय के साथ बदल रहा है। तो कोई हमें बता रहा है एडवर्टीजमेंट में कि इस तरह के कपड़े पहनना ठीक है, तो पहले चौड़ी मोड़ी का पैंट पहनते थे, फिर वो नैरो पैंट पहनने लगे, जीन्स पहनने लगे, है ना, फिर वो फटी जीन्स और जो भी आज की डेट में हमें दिख रहा है ना। तो देखने में ये आता है कि
मानने के आधार पर चलते हैं तो वही समस्या है, और चूंकि वो बदल रहा है इसलिए हमारा आचरण भी अनिश्चित होता जाता है और हमारा जीना कोई और तय कर रहा है ऐसा दिखता है। जी भैया, ये पोल बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है इस पे, तो कुछ पोल लेना है क्या परीक्षित भैया? अभी आगे हाँ, वो बार बार स्क्रीन पे आ रहा है। जी जी ठीक है, तो मानने के साथ दिक्कत यही है, है ना? तो हम अपने में देखें कि भाई ये जो कपड़े का चुनाव हम कर रहे हैं, तो कोई इंटरनेट पे कोई एडवर्टीजमेंट बता रहा है, टीवी पे बता रहा है, उस आधार पर कर रहे हैं, या हमने जान लिया है कि जो कपड़ा है वो शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, ठंडी गर्मी बरसात से बचाने के लिए कपड़ा है, है ना? अगर हम जान लेते हैं कि कपड़े की आवश्यकता तो मात्र इतनी है कि शरीर सुरक्षित बना रहे, तब हमारा ये मानना निश्चित हो जाता है ना? उस आधार पर कपड़े को पहचानना और निर्वाह करना वो निश्चित हो जाता है। ऐसे ही अगर हम भोजन को देखें, तो आज से 20 साल 25 साल पहले नाश्ते का प्रारूप घरों में कुछ और हुआ करता था, आज की डेट में कुछ और है, है ना? तो देखें तो कोई और हमें बता रहा है टेलीविजन पर, इंटरनेट पर, है ना, या दूसरे लोग हमें ये बता रहे हैं, है ना, और उसको हम सीधे सीधे मान ले रहे हैं, अपने अंदर जांचने परखने का जो काम है उस काम को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे, तो वही हमारे लिए आज की डेट में समस्या है, है ना? तो जैसे आप कार, आपने एक कार खरीदी और आप कार लेके अपने मित्र के यहाँ गए और उसने इतनी सी बात कह दी कि थोड़ा पैसा और लगा लेते, है ना, थोड़ा और ढंग की कार ले लेते, क्या उसने पैर मोड़ के छोटी सी कार में आए, है ना, बड़ी दिक्कत होती है भाभी जी को। अब क्या है कि इतनी सी बात उसने कहा और हमने ये मान लिया कि बात तो ठीक ही है, बहुत मोड़ के पैर आना पड़ता है इसमें, बहुत दिक्कत होती है, और उस आधार पर हमने पहचाना और निर्वाह करने के अर्थ में लगा कि अगले प्रमोशन में तो गाड़ी लेना पड़े, तो क्या है कि मान्यताएं बदल रही हैं। मान्यता किसको कह रहे हैं? कि बाहर से कोई इनपुट आ रहा है और उसको बिना वेरीफाई किए हुए हम उसको मान ले रहे हैं, है ना, सीधे सीधे मान ले रहे हैं, इससे परतंत्रता की स्थिति बनती है। लेकिन जो जानने वाली बात है, जो मेरे में पोटेंशियल के तौर पर है, एक बार जानने का काम हो पाता है तो हम समाधानित हो पाते हैं, ना? तो मैं जान जाऊं कि कार की आवश्यकता क्या है, कपड़े की आवश्यकता क्या है, भोजन की आवश्यकता क्या है, तो कार, कपड़े और भोजन को लेकर जो मेरा मानना है वो निश्चित हो सकता है, उस आधार पर मेरा पहचानना और निर्वाह करना भी निश्चित हो सकता है। इस तरह से जानने के आधार पर जीने पर समाधान दिखता है, है ना? तो अपने में जो सहस्वीकृति के आधार पर जांचना और उस आधार पर जीना अगर हो पाता है तो मेरा मानना निश्चित हो पाता है, आचरण निश्चित हो पाता है और मैं स्वतंत्रता के साथ जी पाता हूं, है ना? तो इसी बात को देखेंगे तो समस्या से समाधान तक पहुंचना ये जो काम है ये तो शिक्षा संस्कार का है। तो जो कई सारे रिफ्लेक्शंस में, प्रश्नों में बात आई कि बचपन से ऐसा बता दिया गया, तो अच्छी बात है, बचपन से जो बताया गया उससे कुछ समाधान भी मिला होगा और कई नई समस्याएं भी खड़ी हुई होंगी, है ना? तो ये शिक्षा संस्कार जितना सही के अर्थ में होगा, है ना, संपूर्णता के अर्थ में होगा, समग्रता के अर्थ में होगा, उतना ही मानव की समस्या, है ना, समाधान तक पहुंच पाएगी, उतना ही मेरा जीना निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक हो पाएगा। तो बताएं, अगर यहाँ तक कोई बात है तो प्रश्न भी ले सकते हैं और साथ साथ एक रिफ्लेक्शन है उसको हम लोग ले सकते हैं। भैया जी, सुषमा दास जी हैं भैया हमारे साथ। जी सुषमा जी, नमस्ते, स्वागत है। जी सर, रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर, ये पोल कंप्लीट करके सर मैं बात करती हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी मेरा जो प्रश्न था वो अक्सर की अगली बात पूरी हुई तब मेरा वो प्रश्न का समाधान हो गया था, कि पहले जब सर कह रहे थे कि जानने से ही सारी समस्याएं, मतलब जानने और मानने से हमें जो समस्याएं हो रही है, तो नकारात्मक रूप से मानने से ही समस्याएं हो रही है। जब हम अच्छी तरह से या सकारात्मक रूप से जो चीज जान रहे हैं, सही बातों को जान रहे हैं, तो वो समाधान की तरफ भी ले जाती है। ये मेरी उस टाइम क्वेरी थी, तो सर ने उसको बता दिया बाद में,
तो अभी मेरी वो क्वेरी नहीं है सर, थैंक यू। जी धन्यवाद दीदी। श्री जेपी आनंद जी हमारे साथ भोपाल से, और श्री सतपाल सिंह जी भी हैं। आनंद सर नमस्ते जी भी हैं। प्रदीप मुदगल जी भी हैं हमारे साथ। आप सभी के पास माइक है, अपना माइक अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। श्री सतपाल सिंह जी, श्री जेपी आनंद जी, दिनेश कश्यप जी भी हमारे साथ। जी दिनेश भैया नमस्ते। हाँ सर नमस्ते। सर जी नमस्ते। नमस्ते सर, ये जो कार्यशाला कह लें या जो भी है आपका चल रहा है, इसमें सर जो बात चल रही है वो एक फ्रेम में चल रही है ना सर? जी सर, एक फ्रेम में, एक बाउंड्री में चल रही बात सारी। हाँ मतलब किसी बात को अगर हमें कहना है तो एक बाउंड्री, मतलब कैनवास, जैसे पिक्चर बनानी है अपने को, पेंटिंग बनानी, तो कैनवास दे दिया कि इसमें बनाओ, इसके बाहर नहीं जा सकते। नहीं, उसको देख लें कि अगर हम बाहर जा सकते हैं, उसका स्कोप है, तो जाके उसको जांचे परखें। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कर। जी सर, हम बाहर अभी गए इसलिए बोल रहे हैं सर, हम थोड़ा बाहर गए और उसमें यही पाया कि सारा का सारा काम जो चल रहा है, जहां पर मैं, हम कहते हैं अहम या मैं या अस्तित्व या ईगो, ये सब एक शायद मतलब पर्यायवाची हैं एक दूसरे के जी, है ना सर? तो ये हमारी शुरुआत होती कहां से, कि जहां से मैं शुरू होता है, तू से शुरुआत नहीं हो रही, यहां मैं से शुरुआत हो रही है, मतलब कि जहां से मैं शुरू होता है। और मैं में भी नाम नहीं लिया है अपन ने, जैसे इस कोई बच्चा पैदा हुआ हंसते हुए खेलते हुए, उसको बोले रामू 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 रामू, तो वो बेचारा अपने आपको रामू ही मानने लगता है ना। किसी लकड़ी को अपन ने बना दिया तो उसको कुर्सी कुर्सी बोलने लगे तो कुर्सी हो जाती है। लेकिन उसको, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसका कनेक्शन कहाँ से है, विचार कहाँ से आते हैं, कौन विचार देता है, कहीं ना कहीं कोई चला रहा है। अभी आपने शायद कुछ बोला था कि कोई और तय कर रहा है हमारा सब कुछ, और कर्म भी हमारे जो वर्तमान कर्म है, क्रियमाण कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, ये बातें इसमें फ्रेम में नहीं आ रही शायद। जी तो मैं एक छोटा सा सवाल, छोटे से सवाल से शुरू करता हूँ, आपकी बात को उत्तर करने का प्रयास करता हूँ। तो जैसे कोई और चला रहा है ना, तो फिलहाल मैंने जिस संदर्भ में बात कही थी वो ये थी कि जैसे अभी हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, ये कोई और तय कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। सभी के साथ ऐसा, ऐसा नहीं कर रहा है, कुछ लोगों के साथ ऐसा है। सर महसूस नहीं कर, आप बहुत ऊंचे स्तर की बात कर रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहा है मुझे इस वक्त। आपने बोला तो मैं एकदम, मेरे रिफ्लेक्ट हुआ कि सर कितनी ऊंची बात बोल रहे हैं कि कोई और कर रहा है, और वहां जाने के लिए हमें शरीर के अंदर भी कई शरीर है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, तो हम सर, अभी सर, फ्रेम में अगर बात करते हैं, मैं इसलिए आपको रोक रहा हूँ क्योंकि देखें, जब भी हम किसी पूर्ण बात को करने के लिए अगर किसी एक घंटे में ही हम कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, महाकारण, ये सारी अगर शब्द लाएंगे, तो शब्द लाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस शब्द का अर्थ स्पष्ट करना और व्यक्ति को उस वास्तविकता की तरफ लेके जाना और इंगित कर पाना, वो थोड़ा एक मुश्किल काम है। तो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, देखेंगे। अभी तो सिर्फ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुझे भूख लगती है, तो जो मैं भोजन ग्रहण करता हूँ वो शरीर की आवश्यकता है या मैं की आवश्यकता है? जी सर, सर मैं आपकी पूरी बात सहमत हूँ और समझ भी गया हूँ। सर एक निवेदन, छोटा सा एक लाइन का है मेरा, मैं फिर बार बार नहीं बोलूंगा सर, गहराई से निवेदन ये है कि सर हमारे जैसे के लिए या आप जैसों के लिए या किसी और हमारे अपने जैसे के लिए सर क्यों ऊंची कार्यशालाएं नहीं होती? कार्यशालाएं ऊंची मतलब प्रैक्टिकल होना, जैसे पुराने जमाने में क्या हुआ करता था कि इस चीज को जानते से, आपने जो बताया ना, जैसे यहाँ पर कितने प्यार से समझा रहे हैं आप, हमें बहुत अच्छा अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है सर कचरा, ऐसा लग रहा था कचरा है ये, मतलब ऐसा लगता है। मतलब सर मेरे लिए बोल रहा हूँ, मैं आप इसमें सभा के अंदर नहीं बोल रहा हूँ,
मेरे को सकता है कचरा है, खाया थूक दिया, सुबह खाया लेटिन चले गए, सब इसी में फंसे रहेंगे पूरे टाइम, किसी का अपमान सम्मान ही देखते रहेंगे। हमारे हम कहाँ से आए, क्यों आए और क्या करना है उसके लिए जानने के लिए कोई कार्यशाला करवाओ ना सर, कहीं पर एकांत जगह पर, बहुत अच्छी सर, हमें खर्चा जो लगेगा हम सब देंगे सर, निवेदन हमारा सर, प्लीज सर। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है कि हमारे अंदर आगे की चीजों को जानने की एक जिज्ञासा है, और जिज्ञासा ही मानव को समझने में कहीं ना कहीं सहायता करती है। अच्छी बात है दिनेश सर, मैं मेरा आपसे यही आग्रह है कि जब वही संदेश आ रहा है जी, जब भी ये पैंडेमिक ओवर हो है ना, तो मेरा निवेदन भी है, आग्रह भी है और इनविटेशन भी है कि आप संस्थान आए कभी, और या मैं आपके स्थान पर अनुमति मिलेगी सर गवर्नमेंट की तरफ से तो जरूर आऊंगा सर, बिल्कुल जरूर आऊंगा, गवर्नमेंट की तरफ से अनुमति मिलना बस मेरे साथ मजबूरी यही है बस, और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा वैसा नहीं चाहिए, भगवान ने सब दे रखा आपके आशीर्वाद सर, जरूर सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो हमारे अंदर आगे के प्रश्न बन रहे हैं, ये काफी अच्छी संभावना है जी। आलोक भैया, मेरा मेरी आवाज आ रही है क्या? जी भैया जी, हाँ मैं दिनेश आ रही थोड़ी देर, ये जो वर्कशॉप चल रहा है ना, इसमें आपके उन तरह के भी सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, थोड़ी अपनी उस जिज्ञासा को तृप्त करने की तैयारी हो जाए, है ना, उसके बाद उन सारे प्रश्नों के उत्तर ही मिलेंगे। और ये एक परिचयात्मक शिविर है, इसके बाद जब हम लोग और गहराई में अध्ययन करेंगे उनका बिल्कुल सटीक उत्तर आपको स्वयं में भी दिखेगा। ठीक है दिनेश जी? सर मेरी आवाज आ रही है? जी भैया जी जी। सर प्रदीप चोपड़ से निवेदन कर रहा हूँ, क्या सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ सर, सुन पा रहे हैं जी। जी सर, एक्चुअली मैं केवल थोड़ा सा एक मिनट का समय लेकर के ये कहना ही चाहूंगा कि ये जो कार्यशाला चल रही है, बाकी मैं बहुत ही जिज्ञासु है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अपने जीवन में बिल्कुल निर्वहन करने के लिए ये ऐसी कार्यशालाएं होते रहना चाहिए। चूंकि मेरा एक निवेदन यहाँ है, मैं कल से इस कार्यशाला में ज्वाइन हूँ, तो बस केवल इतना कहना चाहता हूँ, क्या हम फिजिकली रूप से इस कार्यशाला में कहीं एकत्र, जैसे अभी बताया जिस सज्जन ने, कि हम एकांत जगह पर ऐसी कार्यशाला का आयोजन कर सकते हैं? क्योंकि आप देखिएगा कि दुनिया भर का माइंड लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो घर में हो कि ऑफिस में हो, तो चूंकि एक गवर्नमेंट जॉब होने के कारण हम चूंकि एकांत में रहकर के कितना भी प्रयास करें कि हम इतनी अच्छी कार्यशाला को हम मिस नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं फिजिकली रूप से ऑफलाइन मोड पर ये कार्यशाला कहीं भी आयोजित करें, जैसा अभी बताया था। मैं भी यही चाहता हूँ कि कहीं ये कार्यशाला होना भी चाहिए सर, क्योंकि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, हम आगे आने वाले समय में भी ऐसी कार्यशाला हमारे जिले स्तर पर रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से पहले हमको सीखना पड़ेगा ना सर। ठीक बात है, मैंने इस बात को नोट भी किया हुआ है और आगे हम लोग चर्चा में लाएंगे भी, अच्छी बात जी, है जी। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। तो अभी तक जो बात की जा रही थी वो तो इस बारे में ध्यान दिलाने की बात थी कि अगर हमारा जीना मानने के आधार पर है ना चल रहा है तो वो एक समस्या है, क्योंकि मान्यताएं जो हैं वो बदल रही हैं, उनमें बदलाव के साथ साथ मेरा आचरण भी बदल जाता है, और चूंकि कोई और मेरी मान्यता को तय कर रहा होता है ना, कोई और मुझे बता रहा होता है कि ये जो जूता आप पहने हुए हैं ये जूते का डिजाइन ठीक नहीं है, और हमें भी अगर ऐसा लग गया कि ये जूते का डिजाइन ठीक नहीं है तो हमारा मानना बदल जाता है, और उसकी वजह से पहचानना और निर्वाह करना भी बदल जाता है। तो आप लोगों ने जैसा रिफ्लेक्ट किया कि क्या यह कहना सही है कि हमारी समस्याएं बिना जाने मान लेने के कारण हैं, तो आप में से 89% लोग इस बात से सहमत हैं कि यस ऐसा ही है, मानने के आधार पर पहचानने और निर्वाह करने का जो हमारा अभ्यास है वो एक समस्या का कारण है। लेकिन मानव में जानना भी एक पोटेंशियल के तौर पर बना हुआ है, तो हम जान सकते हैं कि मानव मैं और शरीर का सहअस्तित्व है ना, हम ये जान सकते हैं कि दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं, हम ये जान सकते हैं कि दोनों के पूरा करने का प्रोग्राम, आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रोग्राम भी अलग अलग,
हम ये जान सकते हैं कि शरीर की आवश्यकता को सही समझ और सही भाव से नहीं पूरा किया जा सकता है ना। हम ये जान सकते हैं कि ये जो कपड़े की आवश्यकता है वो शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, मकान की आवश्यकता शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, जो ये हम गाड़ी यूज कर रहे हैं वो गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कंफर्टेबली टाइम से मेरे शरीर को पहुंचाने के लिए, तो ये जानने वाली बात है। तो स्कोप हर मानव में जानने का बना हुआ है और उस जानने के आधार पर व्यक्ति अपने में समाधान को देख पाता है। जितना जितना जानने के आधार पर अपने में वो समाधान को देख पाता है उतना उतना ही उसका आचरण निश्चित हो पाता है और वो स्वतंत्रता पूर्वक जी पाता है ना। तो ये जो समस्या से समाधान तक पहुंचने की जो यात्रा है वो उस यात्रा को करवाने का जो काम है, जो मार्ग है, वो तो सही शिक्षा संस्कार है। तो जैसा शिक्षा संस्कार होता है ना, उसका जो कंटेंट होता है, उसका जो प्रोसेस होता है, उस कंटेंट और प्रोसेस के आधार पर हम है ना समस्या से समाधान तक पहुंच सकते हैं। तो हमारी जो भी समस्याएं हैं उनको हम नोट डाउन कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि सही क्या है, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर जांच सकते हैं और उसको जी के देख सकते हैं, है ना। तो जीते वक्त अगर मैं कंफर्टेबल बना हुआ हूं तो एटलीस्ट वो ठीक है, अगर दूसरा भी कंफर्टेबल बना हुआ है तब वो बात ठीक है, पूरी तरीके से ठीक है ना, वो समाधान पूर्ण है ना? मैं उस बात से समृद्ध हो पाता हूँ, नेचर भी रिच हो पाती है, तो वो समाधान की कंप्लीटनेस है ना, समग्रता में देख पा रहे हैं समाधान। इतनी सी बात इस पूरे स्लाइड में करनी थी। एक प्रश्न भैया और ले लेते हैं इससे संबंधित, अगर हो तो हम में से किसी का इस पूरी बात से संबंधित कोई प्रश्न हो उसको ले सकते हैं। जी भैया, कौशल किशोर जी हैं हमारे साथ। जी जी भैया जी, कौशल किशोर जी नमस्ते, स्वागत है जी। कौशल जी का माइक तो नहीं होता लेकिन हम सुन नहीं पा रहे उनको जी। अंजना जी को सुन लेते हम लोग, ऐसा श्रीमती अंजना खरे जी भी है। नमस्कार सर जी, जी नमस्ते, स्वागत नमस्ते, है नमस्ते। सर ये अभी जो आपने क्वेश्चन दिया था तो इसमें मैंने सहमत लिखा है, दृढ़ता से सहमत नहीं लिखा है। इसका कारण ये है कि जैसे आपने इसमें लिखा जानना पहचानना, मानना पहचानना, निर्वाह करना, तो कई जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, कुछ मान्यताएं उन्होंने हमको दे के परंपराएं हैं बता के रखी, हम उनको बिना जाने पहचाने मानते चले आ रहे हैं, तो वो कुछ हद तक हमारे लिए बहुत लाभदायक भी हैं। जैसे अभी कोरोना में तो जैसे किसी के उसमें हम जाते हैं फ्यूनरल में, फिर आके पैर धो, वस्त्र चेंज, बाहर नहाओ, ये सब वो जो मानते आ रहे हैं हम पहले से, वो तो अभी कुछ हद तक सही है मेरे ख्याल से। और जैसे हमारे यहाँ बड़ों को आदर देना, कन्याओं के पैर छूना, महिलाओं को इज्जत देना, ये सब आज की स्थिति में जो महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, तो जिस घर में ये पालन हो रहा है तो ये बहुत लाभदायक है। तो ये जो हम बिना जाने मानते आ रहे हैं, ये तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हम बिना जाने करते आ रहे हैं उससे भी हमको फायदा होगा जी। तो अच्छी बात है। तो जैसा मैम कह रही हैं कि जितनी भी मान्यताएं हैं समाज में या हमारे पूर्वजों के द्वारा बताई गई है, वो सारी मान्यताएं गलत हैं ऐसा नहीं कहा जा रहा। यहाँ ये कहा जा रहा है कि वो मान्यताओं को हम लोग जांच परख कर लें, वो मान्यताएं सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। तो जैसे कई मान्यताएं आपने बताई, और इनफैक्ट इस कोरोना के पूरे पीरियड में बहुत सारी पुरानी मान्यताओं को लोगों ने जांच परख के देखा, जिससे करीब करीब दूर हो गए थे लोग, तो लोगों को ये समझ में आया कि ये बात तो ठीक है कि अगर हम कहीं बाहर से आ रहे हैं और हाथ पांव धुल रहे हैं तो एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो बात सिर्फ इतनी है कि अगर हमने जान लिया है कि ये बात ठीक है, तो कोरोना के खत्म होने के बाद भी हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसको साफ सुथरा बनाने का है ना, इन्फेक्शन फ्री रखने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन अगर मेरे में जानना है ना वो नहीं हुआ है सर, जैसे अभी ये सर अभी जो आपने ये लिंक भेजी थी
ये मैंने कहीं किसी ग्रुप में देखी और मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ज्यादा मैंने जांच पड़ताल नहीं की, पर मुझे लग रहा है कि आज तो मुझे इससे बहुत ज्यादा ही फायदा होगा। जी अच्छी बात, अच्छी बात। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिना जाने कोई काम कर लेते हैं तो उससे हमारा फायदा ही होता है जी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत उसमें फंस जाते हैं जी। तो मैम हम चाहते क्या है कि हम लगातार सही करते रहें और उसका अपने को लाभ मिलता रहे, हम सुखी होते रहें, ये चाहते हैं, या कभी कभी सुखी हो जाए कभी कभी दुख भी चलेगा, क्या लगता है? हाँ ये है कि जान के करेंगे तो हम मुश्किलों से बचे रहेंगे जी। तो अच्छा है कि मतलब अच्छा था कि अच्छा निकला काम, नहीं अच्छा निकला तो फंस जाते। ठीक बात। तो अगर मैं आपके जी 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 मैम जी सर थैंक यू। तो अगर मैम की बात को कंक्लूड करें तो ये दिखता है कि जो मान्यताएं प्रचलित हैं समाज में, सारी मान्यताएं गलत हैं ऐसा नहीं कह रहे, उन मान्यताओं को जांच परख करके नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर उसको जरा परख के देखें और जी के देखें। तो एक बार ये एक्सप्लोरेशन का काम, वेरिफिकेशन का काम ठीक ठीक अपने में हो पाता है, जानना अपने में पूरा हो पाता है, तो जीने में एक निश्चितता आ पाती है। तो जब हमसे कोई ये कहता है कि कहाँ पुराने चक्करों में पड़े हुए हो, तो हम तुरंत बदल नहीं जाते अपने निर्णय से, है ना? तो बात इसमें सिर्फ इतनी ही मुझे रिस्पॉन्ड करनी थी। ठीक बात। तो ठीक है मैम, आपकी बात का जवाब मिल गया आपको, ठीक है ये ठीक है। ठीक आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ एक रिफ्लेक्शन भी हम लोगों ने लिया ही था। तो अगर इस पूरी बात को देखें तो ये दिखता है कि मानव मैं और शरीर का सहअस्तित्व है, उनकी आवश्यकता के आधार पर, है ना, नीड के बेसिस पर दोनों ही यूनिट्स को देखा तो शरीर की आवश्यकता, है ना, भौतिक रासायनिक वस्तु से पूरी होती है ना, ऐसा दिखता है, और वो सामयिक है। साथ साथ ये भी देखा कि वो मात्रात्मक है, उसको काउंट किया जा सकता है। वहीं अगर मैं की आवश्यकता को देखेंगे, सुखी होने को देखेंगे, तो वो सही समझ सही भाव से पूरा होता हुआ दिखाई देता है और वो निरंतरता में चाहिए, ये भी दिखता है। साथ साथ ये भी दिखता है कि जो सुखी होना है, सम्मान, है ना, सम्मानित होना है, ये तो गुणात्मक बात है ना, इसको भी हम लोग देख पाए। क्रियाओं के माध्यम से इन दोनों यूनिट को समझा तो ये पता चला कि शरीर की हर एक क्रिया सामयिक है और मैं की जो क्रियाएं हैं, इच्छा विचार आशा, वो तो निरंतर है। और ये भी पाया कि शरीर का जो रिस्पांस है वो तो पहचानना और निर्वाह करना ही, ऐसा दिखता है। लेकिन मैं में रिस्पॉन्सेस के तौर पर पहचानना और निर्वाह करना जो है वो मानने और जानने के आधार पर बना हुआ है। तो जैसा मेरा मानना है वैसा पहचानना और निर्वाह करना है। तो ये जो जानना और मानना जो अतिरिक्त रिस्पॉन्स है, शरीर के रिस्पॉन्स के अतिरिक्त जो ये दो रिस्पॉन्स मैं में दिखते हैं, इस वजह से इसको एक चैतन्य इकाई कहा गया, है ना। तो जो मैं में क्रियाएं हैं, मैं में जो रिस्पॉन्स है, उस आधार पर सेल्फ को एक चैतन्य इकाई कहा गया, कॉन्शियस यूनिट कहा गया, और शरीर को, है ना, शरीर की क्रियाएं और शरीर के रिस्पॉन्सेस को देखकर शरीर को एक जड़ इकाई कहा गया, है ना। इतनी बात इसमें कही गई। तो चूंकि मैं की आवश्यकता वो निरंतर सुखी होने की है, है ना, तो ये दिखता है कि वो चैतन्य की आवश्यकता है। पूर्ति के लिए देखने जाते हैं तो सही समझ और सही भाव से पूरी होती है, चैतन्य की क्रियाओं से वो पूरा होता है, है ना। क्रियाओं में जितना हम ठीक ठीक, है ना, उसको देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उतना वो पूरा हो पाता है। वहीं अगर शरीर को देखें तो शरीर की आवश्यकता सुविधा है और वो किसी जड़ वस्तु से पूरी होगी, है ना, किसी भौतिक रासायनिक वस्तु से पूरी होगी। तो जड़ की आवश्यकता जड़ से पूरी होगी, चैतन्य की आवश्यकता चैतन्य से पूरी होगी, क्रियाओं से पूरी होगी, है ना। तो इतनी बात, है ना, इस विषय में कही गई। और साथ साथ अगर वर्तमान स्थिति को देखें तो ये दिखता है कि अभी हमने मैं को ही शरीर मान लिया है, मैं बराबर शरीर, ऐसा स्वीकार लिया। तो मानव मैं और शरीर का सहअस्तित्व है वो जान ना पाने के कारण
हमारे मानने में अधिकतर समय ये बना हुआ है कि शरीर ही जो है वो मैं हूँ, और शरीर की आवश्यकता किसी फिजिकल फैसिलिटी से पूरी होगी, है ना, और मैं को सम्मान चाहिए वो भी निरंतर। तो जब सम्मान की आवश्यकता को पूरा करने जाते हैं किसी फिजिकल फैसिलिटी से और वो भी निरंतर चाहिए, तो हम फिजिकल फैसिलिटी को एक्युमुलेट करते रहते हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि ये निरंतर सम्मान को पूरा करने के लिए अनलिमिटेड फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, है ना। तो जो असीमित इच्छाओं की जो बात कर रहे थे उसको जरा यहाँ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ऐसा मान तो नहीं लिया है कि शरीर ही मेरा मैं है, है ना, सेल्फ है। तो निरंतर सुखी होने के लिए, निरंतर सम्मान के लिए अनलिमिटेड फिजिकल फैसिलिटी आवश्यक है, ऐसा दिखने लगता है। तो इस बात को देखें तो ये दिखता है कि ये बात तो गलत है, ये ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मानव तो मैं और शरीर का सहअस्तित्व है ना। फिर निरंतर सम्मान के लिए फिर हम एक्युमुलेशन करते जाते हैं फिजिकल फैसिलिटी का, जिससे कि वो सम्मान इंश्योर हो सके, है ना। और ऐसा करते हुए अपने में दरिद्रता का भाव हम देखते हैं, है ना, डिप्राइव फील करते हैं। क्यों? क्योंकि असीमित सुविधा, है ना, वो जब संग्रह कर लेते हैं और तब भी निरंतर सम्मान नहीं मिलता, निरंतर सुख नहीं मिलता, तो अपने में वो दरिद्रता का भाव, है ना, दिखने लगता है। और उस दरिद्रता को भरने के लिए, है ना, उस दरिद्रता के भाव से हम निकलना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, तो उस समृद्धि को इंश्योर करने के लिए, अगर समृद्धि को नहीं समझा हुआ है तो और सुविधा के लिए प्रयास करते हैं, है ना, किसी भी तरीके से सुविधा को इंश्योर करने का प्रयास करते हैं, है ना, और संग्रह के लिए बढ़ते हैं। तो देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस लूप में हम फंस जाते हैं। और इस लूप में फंसने का कारण अगर हम देखने जाते हैं तो कारण ये दिखाई देता है कि मानव मैं और शरीर का सहअस्तित्व है, ये जान ना पाने के कारण मैंने ये मान लिया है कि मैं बराबर शरीर। तो इस लूप में, इस कुचक्र में हम फंस जाते हैं। तो इसको हम लोग जांच के देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी इसमें फंस गए। तो इसको हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और इन बिटवीन आपके प्रश्न भी ले सकते हैं। तो सतपाल सिंह जी हैं, रिफ्लेक्शन के बाद आप अपनी बात को रख सकते हैं। तो स्क्रीन पे, है ना भैया, पोल ले सकते हैं क्या जी? तो क्या हम इस कुचक्र में फंस गए हैं? तो इसको हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमने रिफ्लेक्शन दे दिया हो तो सतपाल सर, आपका कोई प्रश्न हो तो हम लोग बात कर सकते हैं। साथ साथ कौशल किशोर जी भी हैं। सुषमा दास जी भी हैं। जी सर, नमस्कार सर। प्रश्न तो कुछ भी नहीं है वैसे, समझ में आने लगा है, चीजें हम समझ पा रही हूँ मैं, पर बस यही शंका जो है मन में कि मैं और शरीर को जो हम बिल्कुल एक करे हुए हैं, उसको हम किस तरह से कितनी जल्दी अलग से समझेंगे, और आपकी बताई हुई इन बातों पर हम किस तरह से बहुत अच्छी तरह से समझ कर आगे बढ़ पाएंगे। तो इसमें तो मैम यही बात कही जा रही है सेशन में भी, उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये दोनों जो इकाइयां हैं जिनके सहअस्तित्व में मानव है, उनको हम अलग अलग उनकी आवश्यकता के फॉर्म में जरा देखें एक बार कि शरीर की आवश्यकता मैं की आवश्यकता से भिन्न है या नहीं है, शरीर की क्रियाएं मैं की क्रियाओं से भिन्न है या नहीं है, शरीर की आवश्यकता की पूर्ति और मैं की आवश्यकता की पूर्ति अलग अलग तरीकों से होंगी, उनमें एक भिन्नता है, ये बात हम देख पा रहे हैं क्या?
तो धीरे धीरे एक एक पे ध्यान देते जाएंगे तो इनका जो अंतर है वो भी समझ में आता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे म्यूचुअल फुलफिलमेंट के साथ सहयोगी हैं, कैसे परस्पर सहयोगी हैं, कैसे ये बात भी दिख पाती है, तब फिर जो हमारा प्रोग्राम बनता है वो और अच्छा बनता है ना। तो इसको धीरे धीरे रिफ्लेक्ट करें अपने में दीदी। जी धन्यवाद सर। ठीक बात है। तो हेमंत सर आपका कोई प्रश्न हो तो अपने हैंड रेज किया हुआ है। जी ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है, सर ने हैंड डाउन कर लिया है। तो अगर पोल को आप देखें तो आप में से है ना करीब करीब 82 है ना 82% लोग इस बात से सहमत हैं कि हम इस कुचक्र में फंस गए है ना। तो अच्छी बात है कि हम लोग ईमानदारी से इस बात को देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम फंस तो गए हैं। और कारण क्या है कि जो वास्तविकता जैसी है उसको वैसा देख नहीं पा रहे हैं। तो जो मानव की वास्तविकता है वो तो ये है कि मैं और शरीर का सहअस्तित्व है मानव, वो नहीं देख पा रहे हैं, उसके अन्यथा कुछ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको चक्र में हम फंसते हुए दिख रहे हैं। अच्छी बात है। तो अगर संक्षेप में इस पूरी बात को, इस पूरी चर्चा को अगर रखा जाए तो ये दिखता है कि मानव मैं और शरीर का सहअस्तित्व है, ये एक बात प्रपोजल के लिए है कि हम लोग इसको देखें और देखें कि इनमें जो भिन्नता है वो कैसे है। साथ साथ ये भी कहा गया कि मैं एक चैतन्य निकाई है और इसकी आवश्यकता जो भाव है, सुख है, सम्मान है ना, वो आवश्यकता चैतन्य की क्रियाओं अर्थात सही समझ और सही भाव के साथ पूरी होती है। शरीर एक जड़ इकाई है जिसकी आवश्यकता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, वो आवश्यकताएं किसी जड़ वस्तुओं से पूरी होंगी, किसी भौतिक रासायनिक वस्तु से पूरी होगी, ऐसी बात को पूरे सेशन में रखने का प्रयास किया गया। साथ साथ ये भी कहा गया कि जड़ वस्तुओं से मैं की आवश्यकता को पूरा किया नहीं जा सकता है ना, और जड़ इकाई की आवश्यकता को केवल चैतन्य से पूरा नहीं किया जा सकता, इस बात को भी कहा गया। और शरीर का पहचानना और निर्वाह करना तो निश्चित है, इस बात पर भी ध्यान दिलाने का प्रयास हुआ कि शरीर में तो ये निश्चित बना हुआ है, और मैं का पहचानना और निर्वाह करना तो जानने और मानने के आधार पर होता है। मैंने जैसा माना हुआ है या जैसा जाना हुआ है उस आधार पर मैं पहचानता है और निर्वाह करता है। फिर इसमें एक बात यह भी कही गई कि यदि मानना जानने के आधार पर है तो मानना ठीक है और पहचानना और निश्चित निर्वाह करना निश्चित हो पाता है ना, अर्थात मेरा आचरण निश्चित हो पाता है। लेकिन अगर यही मानना मेरा बिना जाने है ना, तो मेरा आचरण अनिश्चित होता है। साथ साथ ये भी कहा गया कि हर मानना जरूरी नहीं है कि गलत है, मानने को हम जांच के देखें नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर तो हो सकता है कि मानना सही भी हो, तो उस मानने की कंटिन्यूटी हो पाती है, निरंतरता हो पाती है। तो इस बात को हम लोग इस पूरे उसमें कह रहे थे। और एक बात और हम लोग अपने लिए कर सकते हैं कि YouTube पे एक द स्टोरी ऑफ स्टफ करके एक वीडियो है, उस वीडियो को भी हम लोग अपने लिए देख सकते हैं जहां इस बात को इंगित करने का प्रयास किया गया है कि ये जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं है ना, वो प्रोडक्शन प्रोसेसेस किस लिए हैं, भौतिक सुविधाएं किस लिए हैं, और वो जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं और उनका हमारे सोचने पर क्या असर हो रहा है और उसमें हम कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको वो उस पक्ष को भी दिखाया गया, तो उसको हम लोग देख सकते हैं अपने में। और घर के लिए कुछ हम लोग गृह कार्य भी अपने लिए तय कर सकते हैं, तो स्क्रीन पर है कि हम अपनी आवश्यकताओं की एक लिस्ट बनाएं और लिस्ट बनाने के बाद उसको इस तरीके से कैटेगराइज कर लें है ना, कि कौन सी आवश्यकता समझ के लिए है, समझ की पूर्ति के लिए, कौन सी संबंध की पूर्ति के लिए, कौन सी सुविधा की पूर्ति के लिए, और कारण क्या है उस आवश्यकता का। तो जैसे पैसे की आवश्यकता,
क्यों चाहिए पैसा? तो पैसा सुविधा प्राप्त करने के लिए चाहिए, ऐसा अगर अपने में हम देख पा रहे हैं तो वो सुविधा के लिए। मैं नाम और प्रसिद्धि चाहता हूँ, क्यों चाहता हूँ, क्या कारण है? तो क्योंकि हम अन्य वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, तो संबंध को इंगित कर रहा है। ऐसे ही अच्छा जो भोजन है, वो अच्छा भोजन का क्या कारण है और किसके लिए चाहिए? वो सुविधा है, संबंध है या समझ से कौन सी आवश्यकता को पूरा कर रहा है ना? तो ये दिखता है कि सुविधा। गाड़ी को देखेंगे तो वो भी सुविधा दिखाई देती है। मन मैं अपना शांत बनाए रखना चाहता हूँ, सुखी होना चाहता हूँ, है ना, आनंद पूर्वक जीना चाहता हूँ, तो ये समझ के डोमेन की बात। तो इसके इस सूची को हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं, साथ साथ कारण के लिए भी एक स्थान ले रख सकते हैं, तो ये काफी अपने लिए उपकारी होगा, है ना। तो इसको कर सकते हैं। तो एक जैसे ये लिस्ट है और उसको और रिफाइन करना चाहें तो उसमें एक काम और कर सकते हैं कि पैसा किस उद्देश्य से चाहिए। तो पैसा अगर भौतिक सुविधा के लिए चाहिए तो वो तो शरीर की आवश्यकता को पूरा करता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर पैसा मुझे सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए चाहिए तो मैं में सम्मान को इंश्योर करने के लिए ऐसा दिखता है, तो स्वयं में स्वयं की आवश्यकता है। और मौज मस्ती के लिए चाहिए तो वो मौज मस्ती भी बेसिकली क्या है, सुखी होने के अर्थ में कहा जा रहा है, तो वो स्वयं के लिए चाहिए। नाम प्रसिद्धि ये क्यों चाहिए, दूसरे से ध्यान पाना ऐसा है उद्देश्य, तो वो स्वयं की आवश्यकता है, मैं की आवश्यकता है। अच्छा भोजन शरीर के स्वास्थ्य के लिए चाहिए, तब तो वो शरीर की आवश्यकता है। स्वाद के लिए चाहिए तो वो मैं की आवश्यकता है। कार को देखेंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कार मुझे लेके जा सके, ऊर्जा बच सके, अगर ऐसा उद्देश्य है कार का तो वो शरीर की आवश्यकता दिखती है, लेकिन समाज में सम्मान पाना है तो वो फिर स्वयं की आवश्यकता दिखती है। अच्छा दिखने के लिए कार चाहिए तो भी वो दिखता है कि वो मैं की आवश्यकता है। मन को शांत बनाना चाहता हूँ, है ना, आनंद पूर्वक जीना चाहता हूँ, अगर ऐसा अपने लिए चाहिए, स्वयं के लिए चाहिए, तब तो वो मैं की आवश्यकता है। इस तरीके से हम एक लिस्ट बना सकते हैं। तो जो सर कह रहे थे ये इच्छाएं अनंत हैं, है ना, तो आवश्यकताएं अनंत हैं, तो उनकी एक लिस्टिंग की जाए। लिस्टिंग करने के बाद उनके उद्देश्य को भी लिखा जाए और वो ये लिखा जाए कि ये शरीर के लिए है या मैं के लिए है। तो एक थोड़ा सा ये अपने मानस में ये बात फिर जोर पड़ता है कि आखिर जो हम कर रहे हैं और जो हम चाहते हैं उसका जो भेद है वो खुल के आता है। तो ये काम हम अपने लिए कर सकते हैं, जो दो एक्सरसाइजेस हैं साथ साथ को वीडियो ये हम देख सकते हैं। तो भैया कोई अगर इमीडिएट प्रश्न हम में से किसी भैया का हो तो वो भी ले सकते हैं, अन्यथा समय हो गया है।